हाँ जी, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आज एक्चुअली कोलिजन्स का कवर करेंगे। ठीक है, बस उसके पहले ना कुछ ये अप्रोक्सीमेशन हम लेंगे कोलिजन्स के न्यूमेरिकल में। इम्पल्स अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं इसको आप। तो इसमें क्या कहा जाता है कि देखो, कई सारी सिचुएशंस के बारे में ये कहा जाता है इम्पल्स अप्रोक्सीमेशन, इन विच वी एज्यूम दैट वन ऑफ द फोर्सेस एग्जर्टेड ऑन द पार्टिकल्स एक्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम बट मच ग्रेटर। मतलब ये बेसिकली कोलिजन के टाइम पे ही होता है। जब इम्पैक्ट कहीं पर लोगे ना आप, तो इम्पैक्ट के टाइम पर क्या होता है कि जो कोलिजन के वक्त फोर्स आती है, फोर्स एग्जर्टेड ऑन अ पार्टिकल विच एक्ट फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम कोलिजन के टाइम पर, लेकिन उसका अमाउंट काफी ज्यादा होता है, मच ग्रेटर देन एनी अदर फोर्सेस। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, कुछ फोर्सेस को वहां पर इग्नोर करेंगे। कुछ फोर्सेस को इग्नोर करने का मतलब, जैसे ग्रेविटी अगर है तो उसको इग्नोर करोगे आप, स्प्रिंग का फोर्स है तो उसको इग्नोर करेंगे। मतलब कब इग्नोर करना है वो भी क्लियर कर दें, जब आपका टाइम ड्यूरेशन काफी छोटा हो। नंबर वन कंडीशन, मतलब कोई ऐसा इवेंट हो रहा हो जो इवेंट काफी कम टाइम के लिए होता है, और ऐसा इवेंट कोलिजन ही है। ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली होता है कि दो बॉडीज कोलाइड करती हैं, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वो कोलाइड करके अलग हो जाते हैं। जब दो बॉडीज कोलाइड हो रही हैं, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स कोलिजन हुआ और खत्म भी हो गया, तो उस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए जो कोलिजन के टाइम दोनों बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं, उनके कंपैरिजन में ग्रेविटी और स्प्रिंग जैसी फोर्सेस जो कि वीक फोर्सेस मानी जाती हैं, जिनका अमाउंट कम होता है, उनको हम लोग नेगलेक्ट करेंगे। इसको कहा जाता है इम्पल्स अप्रोक्सीमेशन। ठीक है जी, दैट मीन्स कि वी इग्नोर द इफेक्ट ऑफ, अभी न्यूमेरिकल के थ्रू भी समझाएंगे इसको, वी इग्नोर द इफेक्ट्स ऑफ अदर फोर्सेस बिकॉज दीज इफेक्ट्स आर स्मॉल फॉर द स्मॉल टाइम। बस कंडीशन ये ध्यान रखना होता है कि इवेंट हमेशा छोटे टाइम का होना चाहिए। ठीक है, और ये हमने कहा आपसे कि कोलिजन्स में ही इंपॉर्टेंट आएगा, जहां पर दो बॉडीज कोलाइड करती हैं वहीं पर होगा। इसका एक एग्जांपल भी दिया जा रहा है आपको कि एवरेज फोर्स द बैट एग्जर्ट्स ऑन द बॉल, बैट एंड बॉल का कोलिजन अगर हम कंसिडर करें, और ये एक रियलिस्टिक डेटा भी है, ध्यान रखना, कोई हाइपोथेटिकल डेटा नहीं दे रहा हूँ। एवरेज फोर्स द बैट एग्जर्ट्स ऑन द बॉल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल इज सेवरल थाउजेंड न्यूटन, 1000 न्यूटन के आसपास की फोर्स लगती है बैट और बॉल के कोलिजन में। मतलब 1000 न्यूटन, 2000 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो 2000 न्यूटन की फोर्स के कंपैरिजन में बॉल पर जो ग्रेविटी की फोर्स होगी या बैट पर जो ग्रेविटी की फोर्स होगी, उनको हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कोलिजन है वो अप्रोक्सीमेटली 0.01 सेकेंड्स का होता है। तो 0.01 सेकेंड्स में ग्रेविटी की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट्स नहीं आएंगे। तो यही चीज आगे न्यूमेरिकल में ध्यान रखते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का कई बार कंफ्यूजन ये होता है कि सर कोलिजन करते वक्त ग्रेविटी लग रही थी तो हमने मोमेंटम क्यों कंजर्व करा दिया। तो ये चीज पहले ही मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि आगे हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे अभी, उसमें कोलिजन के न्यूमेरिकल्स करेंगे, और कोलिजन के वक्त अगर ग्रेविटी इन्वॉल्व है या स्प्रिंग इन्वॉल्व है तो उन्हें हम कंसिडर नहीं करेंगे। ड्यूरिंग मतलब इतने टाइम के लिए, 0.01 सेकेंड्स के टाइम के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ, अगर टाइम बड़ा ले लेते हो आप, टाइम इंटरवल 2 घंटे का है, 3 घंटे का है, तब तो ऑब्वियसली ग्रेविटी को इग्नोर नहीं कर सकते। बट अगर इतना कम टाइम चल रहा है तो उसके अंदर ग्रेविटी या स्प्रिंग फोर्सेस को हम लोग अवॉइड करेंगे। उसका रीजन भी है कि एनी चेंज इन द वेलोसिटी रिलेटेड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यूरिंग द कोलिजन, एंड सिमिलरली वी कैन इग्नोर एनी चेंज इन वेलोसिटी रिलेटेड टू द स्प्रिंग फोर्स ड्यूरिंग द कोलिजन। बट जो कंडीशन बताई जा रही है ना आपको कि टाइम इंटरवल छोटा होना चाहिए, तो इसीलिए न्यूमेरिकल करते वक्त कोलिजन का जब भी कोई न्यूमेरिकल करोगे आप, कोई भी न्यूमेरिकल कोलिजन के ऊपर करोगे, तो उसमें दो बातें हमेशा ध्यान रखनी होती है। आप मोमेंटम्स जो कंजर्व करोगे वो इमीडिएटली, मतलब कि जस्ट बिफोर कोलिजन होना चाहिए, और जस्ट आफ्टर कोलिजन होना चाहिए। क्योंकि इमीडिएटली बिफोर और इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन, जब ये कंडीशन आप लगाते हो, जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन, तो तभी जा करके आपका टाइम इंटरवल जो होगा वो टेंडिंग टू जीरो के आसपास आएगा। अगर आप लॉन्ग टाइम बिफोर कोलिजन एंड लॉन्ग टाइम आफ्टर कोलिजन की बात करोगे, तो नेचुरली टाइम इंटरवल की वैल्यू बड़ी होगी, और एक बड़े टाइम इंटरवल में तो ग्रेविटी का भी इम्पैक्ट आएगा, बड़े टाइम इंटरवल में स्प्रिंग का भी इम्पैक्ट आएगा, तब हम किसी भी फोर्स को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो ये दूसरी एसेंशियल कंडीशन है कि कोलिजन का कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे आप, और मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन अगर आप लिखने जा रहे हो, तो ये ध्यान रखना होता है कि मोमेंटम हमेशा कोलिजन के जस्ट पहले वाला लिया जाएगा और कोलिजन के जस्ट बाद वाला मोमेंटम लिया जाएगा। ठीक है, तो यही है कि इन द इम्पल्स अप्रोक्सीमेशन वेरी लिटिल मोशन, मतलब बहुत कम टाइम के लिए मोशन की बात की जा रही है, और पार्टिकल्स टेक प्लेस ड्यूरिंग द कोलिजन। ठीक है, सो अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं इसको, है ना। डिफरेंट टाइप के कोलिजन को वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे, डिटेल में चलेंगे पूरा।
कम्प्लीटली। तो फर्स्ट पहले तो कोलिजन की भी एक डेफिनेशन बता दें। कोलिजन का मतलब ये नहीं होता है कि फिजिकल कॉन्टैक्ट हो, नॉन फिजिकल कॉन्टैक्ट को भी कोलिजन कह सकते हो। ये दो फिगर्स हैं, इसमें एक फिगर में दोनों मासेस कोलाइड कर रहे हैं, एक दूसरे के टच में आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं ये। तो यहाँ पर फिजिकल कॉन्टैक्ट हुआ है इन दोनों का, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है। मतलब एक पॉजिटिव आयन और एक हीलियम प्लस आयन है, डबल चार्ज है इसके ऊपर। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से दूर हो गए, मतलब कि ये जो पी प्लस देख रहे हो, पॉजिट्रॉन, पी प्लस पॉजिट्रॉन, ये पॉजिट्रॉन स्ट्रेट लाइन पे जा रहा था, बट हीलियम की वजह से उसका पाथ डेविएट कर गया। कुछ कुछ ऐसा ही होता है आपका रदरफोर्ड मॉडल एक्सपेरिमेंट में, जब हम अल्फा पार्टिकल के बम्बार्डमेंट करते हैं न्यूक्लियस की तरफ, तो अल्फा पार्टिकल के पाथ डेविएट कर जाते हैं, तो उसको भी कोलिजन ही मानेंगे। ये चीज भी आपकी कोलिजन कहलाएगी, जहां पर दो पार्टिकल एक दूसरे से बिना कॉन्टेक्ट में आए अपनी वेलोसिटीज को बदल देते हैं। पॉजिट्रॉन की वेलोसिटी वी इनिशियल राइट साइड थी, बट हीलियम के इम्पैक्ट, हीलियम की वजह से, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिट्रॉन किसी और डायरेक्शन में चलने लगा, उसका डेविएशन हो चुका है यहाँ पर। तो ये जो चेंज ऑफ वेलोसिटी मिला आपको पॉजिट्रॉन का, वो ड्यू टू द हीलियम है। इस फिनोमेना को भी आप कोलिजन का ही नाम देंगे। ये नॉन फिजिकल कॉन्टैक्ट कोलिजन है, और पहला वाला फिजिकल कॉन्टैक्ट के होने के बाद का कोलिजन, राइट। तो ये दोनों ही चीजें हैं। देखिए, एन इवेंट कोलिजन मतलब एन इवेंट ड्यूरिंग विच द टू पार्टिकल्स कम क्लोज टू ईच अदर एंड इंटरैक्ट बाय द मीन्स ऑफ फोर्स। टाइप ऑफ कोलिजन्स में जाओगे तो तीन तरीके के कोलिजन से भी डिस्कस करोगे। पहला होगा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, सेकेंडली इलास्टिक कोलिजन, और तीसरा होता है जो इनके बीच में एग्जिस्ट करता है। और बेसिकली ये है कि अगर मैक्सिमम लॉस होता है, मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाए, या फिर ट्रांसफर हो जाए साउंड के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, मतलब लॉस सबसे ज्यादा हो, मैक्सिमम लॉस हो जाए अगर काइनेटिक एनर्जी का, तो आप कह सकते हो कि ये परफेक्टली इनइलास्टिक है। और अगर लॉस जीरो हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं हुआ, तो वो कहलाएगा आपका इलास्टिक कोलिजन। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। तो दो एक्सट्रीम केसेस हैं। एक केस में आप कह रहे हो कि चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और एक केस में कहा जा रहा है कि चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। दो एक्सट्रीम केसेस हैं ये, लिमिटिंग केसेस, जीरो वाला और मैक्सिमम वाला, बाकी सारे कोलिजन्स इनके बीच में ही लाई करेंगे। तो इलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन्स आर लिमिटिंग केसेस, अ लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन्स फॉल इन द रेंज बिटवीन देम। मतलब ना तो वो परफेक्टली इलास्टिक माने जाते हैं, ना ही परफेक्टली इनइलास्टिक माने जाते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करो, या देखो ये क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली। इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट हैं, एक तो कोलिजन का भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व करेंगे, और प्लस मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग की थ्योरी को भी डिस्कस करोगे। इसमें ब्लॉक ए यू वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और ब्लॉक बी रेस्ट पे है। टाइमिंग हम ये मानेंगे कि ब्लॉक ए का मास एम वन है, मास ऑफ ब्लॉक ए एम वन मान लेते हैं, मास ऑफ ब्लॉक बी एम टू मान लेते हैं आप। स्प्रिंग ब्लॉक बी से अटैच्ड है, क्लियरली आपको फिगर में दिख रहा है कि ब्लॉक ए और स्प्रिंग के बीच में अभी गैप है। तो जब ये ब्लॉक ए स्प्रिंग के कॉन्टेक्ट में जाएगा, उसके बाद ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, और फिर हमारे लिए कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन ये है, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच ब्लॉक आफ्टर द इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी इज ओवर, एंड ड्यूरिंग दिस इंटरेक्शन व्हाट वाज द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। तो देखो सिचुएशन कहाँ से स्टार्ट होगी ना, इसको ऐसे एक थोड़ा सा स्टेप्स में समझेंगे आज, तो काफी डिटेल में और स्टेप्स में समझोगे, तब जाकर के आपको टाइप ऑफ कोलिजन्स के बारे में क्लियर आइडिया लगेगा कि किस बेसिस पर कोलिजन को डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले सिचुएशन यहाँ से स्टार्ट होगी कि ब्लॉक ए जो होगा वो स्प्रिंग के कॉन्टैक्ट में जाएगा। सिचुएशन को मैं स्टेप बाय स्टेप डायग्राम के थ्रू समझाएंगे कि सबसे पहली सिचुएशन ये होगी कि जब ए वाला ब्लॉक स्प्रिंग को टच करेगा, फर्स्ट केस, दैट मीन्स ए टचेस द स्प्रिंग। यहाँ से स्टार्ट करो आप, डिफरेंट स्नैपशॉट्स में दिखाएंगे आपको। ए टचेस द स्प्रिंग, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस टाइम पर ब्लॉक ए के पास यू वेलोसिटी है और ब्लॉक बी के पास 0 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है रेस्ट पे। नाउ ब्लॉक ए की वेलोसिटी की वजह से स्प्रिंग कंप्रेस होगा, ब्लॉक ए की वजह से स्प्रिंग कंप्रेस होगी, और ये जब स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो ये दोनों ही ब्लॉक्स के ऊपर, ए वाले ब्लॉक के ऊपर भी और बी वाले ब्लॉक के ऊपर भी एक फोर्स लगाएगी। तो ग्रेजुअली ये दोनों ब्लॉक्स आगे की तरफ बढ़ेंगे, मतलब ब्लॉक ए भी आगे बढ़ेगा और ब्लॉक बी स्प्रिंग के फोर्स की वजह से आगे बढ़ जाएगा, और स्प्रिंग इस टाइम पर थोड़ी सी पहले के कंपैरेटिवली कंप्रेस हो चुकी होगी।
दैट मीन्स अगर पहले इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस को मैं एल मान लेता हूँ, तो अब ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो एल से कुछ रिड्यूस हो जाएगा, इसको एल माइनस कुछ एक्स मान लेते हैं, यानी एक्स अमाउंट से कंप्रेस हुआ। कंप्रेशन के टाइम पर जब ये कंप्रेस होगा तो ये स्प्रिंग ब्लॉक बी पर राइट साइड फोर्स लगाएगी एफ एस, और यही स्प्रिंग ब्लॉक ए पर लेफ्ट साइड फोर्स लगाएगी एफ एस का। एज्यूम करेंगे कि जो ब्लॉक ए है उसकी वेलोसिटी इस समय वी ए है, और ब्लॉक बी की जो वेलोसिटी है वो वी बी है, मोमेंटली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, यहां तक का पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगर आप देखोगे ना तो ब्लॉक बी के लिए तो स्प्रिंग फोर्स एक्सेलरेटिंग फोर्स माना जाएगा, बिकॉज ब्लॉक बी की जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है और ब्लॉक बी पर जो स्प्रिंग फोर्स लग रही है दोनों सेम डायरेक्शन में लग रही है। इसका मतलब ब्लॉक बी के लिए स्प्रिंग का फोर्स एक एक्सेलरेटिंग फोर्स की तरीके से काम कर रहा है, वेलोसिटी को इंक्रीज करने का काम कर रहा है, ये एक्सेलरेटिंग फोर्स हुआ। लेकिन वहीं पर ब्लॉक ए के लिए अगर हम बात करें तो ब्लॉक ए की वेलोसिटी का डायरेक्शन राइट साइड है, लेकिन ब्लॉक ए पर स्प्रिंग की फोर्स लेफ्ट साइड हुई। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लॉक ए के लिए स्प्रिंग वाली फोर्स रिटार्डेशन का काम करेगी, रिटार्डिंग फोर्स हो गया ये, तो ब्लॉक ए की स्पीड कम होती चली जाएगी और ब्लॉक बी की स्पीड बढ़ती चली जाएगी। मतलब मोशन अभी भी राइट साइड ही होगा, स्टिल ब्लॉक ए राइट साइड जाएगा, अभी स्टिल ब्लॉक ए राइट साइड जाएगा, ब्लॉक बी भी राइट साइड जाएगा, लेकिन इनके बीच में जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस रहेगी। और एक ऐसी स्टेज आ जाएगी आपके सामने, यहाँ पर एक ऐसी स्टेज आएगी जब ब्लॉक ए की वेलोसिटी और ब्लॉक बी की वेलोसिटीज इक्वल हो चुकी होंगी, उस टाइम पर यह कहा जाता है कि ये स्प्रिंग अपने मैक्सिमम कंप्रेशन पे आ चुका है। मैक्सिमम कंप्रेशन वाली स्टेज तब आएगी जब ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दोनों सेम वेलोसिटीज पर आ जाए। इनको मैं फिलहाल वी सी से डिनोट कर रहा हूँ, सी फॉर द कॉमन वेलोसिटी, वी सी से डिनोट करेंगे, दैट मीन दोनों ब्लॉक्स में एक कॉमन वेलोसिटी आ चुकी होगी। और इस टाइम पर स्प्रिंग को आप कह सकते हो कि ये जो स्प्रिंग है इस टाइम पर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे आ चुकी है, दैट मीन्स मैक्सिमम कंप्रेशन की स्टेज पर आ चुके हो आप। स्टिल फोर्स लगता रहेगा, अभी भी ब्लॉक ए पर फोर्स लेफ्ट साइड लगता रहेगा और ब्लॉक बी पर फोर्स अभी भी राइट साइड लगेगा। कुल मिलाकर के ये भी कह सकते हो कि यहां से इस वाले फेज में, मतलब ये आपका फेज वन कह रहा हूं मैं, यहां से यहां तक को फेज वन कह दीजिए, फेज वन। फेज वन के अंदर अगर आप नोटिस करोगे जब तक ये पूरा फेज वन कहां से कहां तक का है, तो फेज वन कोलिजन के स्टार्ट होने से और उस समय तक का है जिस समय पर स्प्रिंग मैक्सिमम डिफॉर्म हो रही है, ये पूरा मेरा फेज वन मान रहा हूं, फर्स्ट फेज। इस पूरे फेज में ब्लॉक ए फास्ट मूव कर रहा था और ब्लॉक बी स्लो मूव कर रहा था, और इसीलिए स्प्रिंग कंप्रेस हो रही थी कि फ्रंट वाला ब्लॉक, बी वाला ब्लॉक धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है और ए वाला ब्लॉक तेजी से आगे बढ़ रहा था। तो बी अगर स्लोली स्लो मूव कर रहा है और ए फास्ट मूव कर रहा है, इसी वजह से स्प्रिंग कंप्रेस हो रही थी। और फेज वन जब खत्म हुआ तब ये दोनों सेम वेलोसिटी पर आ गए। इसके बाद क्या हो रहा है, अभी भी ब्लॉक ए का स्प्रिंग वाला फोर्स, ब्लॉक ए का स्प्रिंग वाला फोर्स अभी भी ब्लॉक ए की वेलोसिटी के अपोजिट ही लग रहा है, यानी ब्लॉक ए अभी भी रिड्यूस करेगा अपनी स्पीड को और ब्लॉक बी की स्पीड अभी भी बढ़ेगी। यानी कि इसके बाद हमारा फेज टू स्टार्ट होता है, सेकेंड फेज हम मानते हैं इसको, सेकेंड फेज। अब सेकेंड वाले फेज में क्या होगा कि जो ब्लॉक बी होगा ये फास्ट मूव करेगा और ब्लॉक ए पहले से अब स्लो हो जाएगा, मतलब ये बी के कंपैरेटिवली स्लो हो जाएगा। तो अगर ब्लॉक बी फास्ट मूव कर रहा है और ब्लॉक ए स्लो मूव कर रहा है तो इसका मतलब कंप्रेशन अब धीरे धीरे रिकवर होने लगेगा, क्योंकि अगर फ्रंट वाली बॉडी फास्ट चलेगी, बी वाली बॉडी तेजी से चलेगी और ए वाली धीमे धीमे चलेगी, मतलब अगर ये 1 सेंटीमीटर चले और ब्लॉक बी 2 सेंटीमीटर आगे चला जाए, तो दैट मीन्स इनके बीच का ये जो सेपरेशन है अब ये डिक्रीज नहीं होगा, अब ये सेपरेशन बढ़ना स्टार्ट करेगा इनके बीच में। आगे वाली बॉडी तेज चल रही है, पीछे वाली बॉडी धीमे चल रही है, तो नेचुरल सी बात है कि इनके बीच का सेपरेशन जो है वो अब और रिड्यूस नहीं हो सकता, अब वो सेपरेशन बढ़ेगा। और इसी वजह से कह रहे हो कि ये एक मैक्सिमम कंप्रेशन की स्टेज है, कि जितना मतलब ए और बी जितने क्लोज आ सकते थे वो आ गए, इससे ज्यादा क्लोज नहीं आएंगे। ए एंड बी मैक्सिमम जितना क्लोज आ सकते थे, इसको आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो, इसको भी आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि दो पर्सन हैं और एक दूसरे का पीछा कर रहे हो, आगे वाला पर्सन मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से चले और पीछे वाला पर्सन उससे फास्ट यानी कि 12 मीटर पर सेकंड पे चले, तो आप मुझे खुद बता सकते हो
कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस टाइम के साथ बढ़ेगा या फिर कम होगा। एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन लगा के देख सकते हो कि अगर दो लोग एक ही डायरेक्शन में चलें और पीछे वाला आदमी तेज चल रहा हो और आगे वाला आदमी धीमे धीमे चल रहा हो, तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस टाइम के रिस्पेक्ट में कॉन्स्टेंट रहेगा, इंक्रीज कर जाएगा या फिर डिक्रीज कर जाएगा? ठीक है, तो बेसिक आइडिया है ना, कुछ सजेस्ट करोगे आपको क्या होगा अगर पीछे वाला पर्सन फास्ट है और आगे वाला पर्सन स्लो चल रहा है, तो इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये और कम होता चला जाएगा या बढ़ेगा? ये चीज कम होगा है ना, तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही काम यहाँ पे हो रहा है कि ब्लॉक ए जब तक फास्ट होगा और ब्लॉक बी जब तक स्लो होगा तब तक तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है एल वो रिड्यूस करेगी, इसीलिए वो एल माइनस एक्स हो गया, फिर एल से और रिड्यूस हो गया, मैक्सिमम रिडक्शन हो सकता। नेचुरली इसके बाद मान लो अगर फ्रंट वाला पर्सन फास्ट हो जाए और पीछे वाला पर्सन स्लो हो जाए, आपका कॉमन सेंस कह रहा है इसको, अब आगे वाला पर्सन 12 मीटर पर सेकंड चले और पीछे वाला 10 मीटर पर सेकंड से चले, चल आप उसी डायरेक्शन में रहे हो, चल तो उसी डायरेक्शन में रहे हो, तो क्या अभी भी इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, इसको एल मानोगे, तो नेचुरल सी बात है अब अगर आगे वाला बॉडी फास्ट है और पीछे वाली बॉडी स्लो चल रही है तो अब ये डिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा इनका। तो इसीलिए कहा जाता है कि मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम पर दोनों ब्लॉक्स की आइडेंटिकल वेलोसिटीज होंगी, उसके बाद का जो फेज टू है उसमें ब्लॉक ए अभी भी राइट साइड जाएगा और ब्लॉक बी भी राइट साइड जाएगा अभी, लेकिन अब जो इनके बीच में स्प्रिंग कनेक्टेड होगी ना उसकी कंप्रेशन धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, कंप्रेस रहेगी ये, अभी भी ये एल माइनस कंप्रेस्ड है। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर एक्स वन मान लेता हूँ, इसको एक्स मैक्स, ये एक्स टू, स्टिल ये कंप्रेस है, कंप्रेशन खत्म नहीं होगा, लेकिन ये जो कंप्रेशन एक्स टू होगा ना ये मैक्सिमम वाले कंप्रेशन से अब कम हो चुका होगा, स्टिल कंप्रेस है, अभी भी लेंथ आपका एल से कम ही है, तो इसको हम बोलते हैं फेज टू रिकवरी स्टेज, रिकवर कर रहे हैं अभी लोग। एंड अल्टीमेटली क्या होगा, धीरे धीरे ब्लॉक ए अभी भी फॉरवर्ड साइड पर, ब्लॉक बी अभी भी फॉरवर्ड साइड पर चलेंगे, चलेंगे ये फॉरवर्ड साइड पे ही, और एक वो स्टेज आ जाएगी जब स्प्रिंग वापस अपनी नॉर्मल लेंथ पर आ चुकी होगी, फिर से अपने नॉर्मल लेंथ पर, यानी वापस ये लेंथ एल हो चुकी होगी, और उस टाइम पर जा करके मैं ये मानता हूँ कि ब्लॉक ए के पास वेलोसिटी और ब्लॉक बी के पास जो वेलोसिटी है वो वी टू और वी वन है, ये पूरा आपका सिचुएशन है, ये फेज टू है, मतलब ब्लॉक ए का स्प्रिंग से कॉन्टेक्ट छूट चुका है, ब्लॉक ए वापस स्प्रिंग से अलग हो चुकी है, इसको बोलते हैं कि नाउ इंटरेक्शन बिटवीन द ब्लॉक ए एंड बी इज ओवर, खत्म हो गया, अब ए और बी के बीच में कोई फोर्सेस नहीं आएंगी क्योंकि स्प्रिंग से कॉन्टेक्ट छूट चुका है, स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ पर आ चुकी है, अब ब्लॉक बी पर भी फोर्स जीरो हो गया, ब्लॉक ए पर भी फोर्स जीरो हो गया, अब ये अपनी इसी वेलोसिटी से चलते रहेंगे। तो फेज वन क्या था और फेज टू क्या था आप समझो, फेज वन एंड फेज टू, तो फेज वन के अंदर क्या हुआ था, स्प्रिंग कंप्रेस हुई, फेज वन कंप्रेशन की स्टेज है और फेज टू उस कंप्रेशन को रिकवर करने की स्टेज है, रिकवर द कंप्रेशन पार्ट, मतलब कंप्रेशन को वापस नॉर्मल लेंथ पे ला रहे हैं, ये हमारा फेज टू है। यहाँ तक बात समझ में आई या फिर इसमें और कुछ पूछना है तो पूछो आप, क्योंकि तो इसके आगे, क्योंकि कोलिजन का जो चैप्टर है ना वो इसी एग्जांपल पर बेस्ड है, एक्चुअली कोलिजन का चैप्टर समझने के लिए ये एग्जांपल बहुत जरूरी है, अगर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी तो कोलिजन भी समझ जाओगे आप। बताएं इसको, टाइम दे रहे हैं आपको, कुछ पूछना है अभी देखो, ठीक है ना, जो भी बचा, हाँ ना, जो भी बता दो, अगर आपको समझ आ गया तो हम आगे बढ़ जाएं और नहीं समझ आया तो फिर हम लोग इसको फिर। सर स्प्रिंग रिकवर हो गई तो V1 और V2 इक्वल होंगे? नहीं होंगे ना, कैसे होंगे, देखो आप सिचुएशन क्या थी, नहीं होंगे, देखो ये सारी क्वेरी यही रिजोल्व कर लीजिए, देखिए जब मैक्सिमम कंप्रेशन था तो ये दोनों तो बराबर हो गए थे ना, उसके बाद ए और स्लो हो गया और बी और फास्ट हो गया है, तो ऑलरेडी ये जब इक्वल थे तब तो मैक्सिमम कंप्रेशन था, इसके बाद आप सिंपल से थ्योरी समझो, न्यूटन लॉ लगाओ ना कि कंप्रेस्ड स्प्रिंग का ब्लॉक ए पर लेफ्ट साइड फोर्स लग रहा है और ब्लॉक ए का मोशन राइट साइड है, तो ये तो और रिटार्डेट ही होगा अभी, अभी ये और रिड्यूस करेगी वेलोसिटी ए की और बी की वेलोसिटी अब बढ़ेगी, तो जब इक्वल हो गए थे और उसके बाद बी की वेलोसिटी बढ़ गई और ए की वेलोसिटी कम हो गई, तो इसका मतलब जब स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ पर आएगी तो कौन फास्ट चल रहा होगा, ऑब्वियसली अगर सोचो आप, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि V1 की वैल्यू कम होगी यहाँ पर V2 से? यस सर, है ना, इसी को तो बोल रहे हैं,
देखिए कोलिजन में दो दो फेज हैं एक्चुअली, दो फेज कौन कौन से हैं, पहले वाले फेज में ए फास्ट है बी स्लो है, और बाद वाले फेज में बी फास्ट है ए स्लो है, और इन दोनों फेज के बीच में एक स्टेज आई है जहां पर दोनों के पास सेम वेलोसिटीज है। समझ आया? तीन फेजेस मतलब दो फेजेस कौन से हैं और दोनों फेजेस में ट्रांजिशन कहां पे हुई है, मतलब फेज वन से फेज टू कब कन्वर्ट हो गया। मैं फिर बोल दे रहा हूं आपको, फेज वन इज द फेज इन विच ए इज मूविंग फास्टर देन बी, एंड दैट इज द फेज ऑफ कंप्रेशन, कह सकते हो स्प्रिंग कंप्रेस होगी, अभी आपको पर्संस वाले एग्जांपल दिए थे। फेज टू व्हेन द ब्लॉक बी इज फास्टर देन द ब्लॉक ए, नाउ कंप्रेशंस को रिकवर करने की स्टेज है ये, जितना कंप्रेस हुए थे अब वो कंप्रेशन धीरे धीरे कम होगा और स्प्रिंग वापस अपने नॉर्मल लेंथ पर आ जाएगी। सर नॉर्मल लेंथ पे आ गई है और V2 ज्यादा है V1 से, तो अभी भी एक्सपेंड कर रही होगी ना फिर? नहीं करेगी ना, क्योंकि नॉर्मल लेंथ पे आने के बाद स्प्रिंग फोर्स नहीं लगाएगी, अब स्प्रिंग का फोर्स लगेगा ही नहीं नॉर्मल लेंथ पे। नहीं सर V2 ज्यादा है और V1 कम है तो एक्सपेंड होना चाहिए। तो V ब्लॉक ए स्प्रिंग से बंधा हुआ थोड़ी है, आप ओरिजिनल ओरिजिनल फिगर देखिए ना, इनमें तो गैप था, तो अब ये गैप आ गया फिर से, ब्लॉक ए और स्प्रिंग के बीच में गैप आ चुका है, मतलब बी और स्प्रिंग एक साथ आगे बढ़ जाएंगे और ए वाला कभी उसको पकड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि ए वाला धीमे चल रहा है भाई। अगर हम किसी का पीछा कर रहे हैं और हम धीमे धीमे चल रहे हैं तो हम कैसे पकड़ेंगे उसको आगे वाले को, अनलेस कि हम उससे फास्ट ना चलें। ठीक है पॉइंट? ओके सर, क्लियर हो गए सारे डाउट? अभी भी किसी के हैं तो पूछ लो भाई। सर ये हम लोग कैसे पता करेंगे कि V1 आगे की डायरेक्शन में है या पीछे में होगा? अब वो तो अभी हम सॉल्व करेंगे, वो आगे पीछे देखिए क्या होगा, लेकिन वो भी हम सॉल्व करेंगे। आप मेरी बस ये बात समझो, मेरा अभी आपके साथ फोकस इस बात का है कि आपको ये दो फेजेस समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्योंकि मेन कहानी इस पर है कि इस इंटरेक्शन में दो फेज होंगे, फेज वन में ए फास्ट है बी स्लो है और फेज टू में बी फास्ट है ए स्लो है, और दोनों फेज का जो ट्रांजिशन हुआ है उस समय दोनों की वेलोसिटी बराबर है। आपको ये तीन पॉइंट समझ में आए कि नहीं आए? यस सर, है ना, क्योंकि मेन पॉइंट यही है कोलिजन्स का। चलिए ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ भाई आपको समझ में नहीं, अगर नहीं कोई नहीं पूछ रहे आप लोग तो ये दैट मींस कि क्लियर होगा भी। अब आगे देखो क्या होगा, इस पूरे प्रोसेस में अगर आप एक बात बताओ, इस पूरे प्रोसेस में अगर मैं ए प्लस बी और प्लस स्प्रिंग, ए प्लस बी प्लस स्प्रिंग, इसको मैं अपना सिस्टम डिफाइन कर देता हूँ, तो अब ये आपस में एक दूसरे पर क्या फोर्स लगा रहे हैं उससे आपको कोई मतलब होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब सिस्टम के अंदर हो गए। नाउ इस फिगर के हिसाब से आउट ऑफ सिस्टम क्या क्या दिख रहा है आपको, ए बी और स्प्रिंग के अलावा इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है, व्हाट इज आउटसाइड द सिस्टम? बताएं, ब्लॉक ए ब्लॉक बी और स्प्रिंग को अगर आप सिस्टम मानते हो तो इसके बाहर क्या है, इसके अलावा और क्या है यहाँ पर? कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, जब नथिंग इसका मतलब आउट ऑफ सिस्टम जब कुछ है ही नहीं तो आप कहोगे एफ एक्सटर्नल जीरो। जब इसके अलावा कुछ है ही नहीं तो कौन इस सिस्टम को पुश करेगा, कौन इस सिस्टम को पुल करेगा, मतलब कोई फोर्स नहीं लगेगी, और जब फोर्स नहीं लगेगी तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि इस पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम रहेगा, मोमेंटम ऑफ द एंटायर सिस्टम, वो कॉन्स्टेंट रहेगा किसी भी पॉइंट पर, इट विल बी कॉन्स्टेंट एट एनी इंस्टेंट, एट एनी टाइम। एनी टाइम का मतलब क्या हुआ जानते हो, ये मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ, एट एनी टाइम मोमेंटम इज कंजर्व्ड एट एनी टाइम का मतलब, जब फेज वन बिगिनिंग हुई थी तब का मोमेंटम, जब दोनों के पास सेम वेलोसिटी आई तब का मोमेंटम, और जब फेज टू खत्म हुआ उस समय का मोमेंटम। फेज वन की बिगिनिंग का मोमेंटम, ट्रांजिशन के टाइम, ट्रांजिशन का मतलब जब हम फेज वन से फेज टू में जा रहे हैं तब का मोमेंटम, और उसके बाद तीसरा वाला मोमेंटम, यानी कि जब ये सब कुछ खत्म हो गया कहानी तब का मोमेंटम, ये सारे मोमेंटम कंजर्व होंगे। और इस बिहाफ पर मैं क्या इक्वेशन लिख सकता हूं, देखो अब इस बिहाफ पर जब फेज वन स्टार्ट हुआ था तो हमारे पास मोमेंटम था एम वन यू, एक बार वापस देख लो आप, एम वन के पास यू वेलोसिटी थी लेकिन एम टू के पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो बिगिनिंग का मोमेंटम आप लिखोगे एम वन यू प्लस एम टू यू, एम टू इंटू जीरो इक्वल टू में जब हम कॉमन वेलोसिटी पर आ गए, कॉमन वेलोसिटी पर, तो हम लिखेंगे m1 मल्टीप्लाइड बाय द vc प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय vc,
तो फिर हमारा कॉमन वेलोसिटी के टाइम पर आ जाएगा एम वन वी सी प्लस एम टू वी सी इक्वल टू, जब हमारा फेज टू भी खत्म हो गया, फेज टू खत्म हो गया तो एम वन वाले ब्लॉक में वी वन वेलोसिटी आ गई और एम टू वाले ब्लॉक में वी टू वेलोसिटी आ गई, एम वन वी वन एम टू वी टू। तो फिर हम इस मोमेंटम को भी लिखेंगे यानी कि इक्वल्स टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। ये आपकी हो जाएगी इक्वेशंस, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन कह सकते हो, मतलब इन दोनों को लेकर के हम फर्स्ट इक्वेशन कह दे रहे हैं और फर्स्ट और थर्ड को लेकर के हम सेकंड इक्वेशन कह देंगे। एक्चुअली इसमें दो इक्वेशंस हो गई है, दो इक्वल टू के साइन लगे, इसका मतलब मास ऑफ स्प्रिंग होना चाहिए। हां जी, स्प्रिंग हम लोग मासलेस मानते हैं बच्चे, आइडियल स्प्रिंग्स लेते हो, आइडियल स्प्रिंग मासलेस होती है। ओके, तो हम हां मतलब स्प्रिंग का सिस्टम में जरूर है लेकिन स्प्रिंग में कोई मोमेंटम नहीं मानते हैं क्योंकि हम पढ़ते ही हम लोग आइडियल स्प्रिंग है, तो जीरो मास के स्प्रिंग पढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक इक्वेशन, दो इक्वेशन हुई है, तो इससे एक तो आप ये भी निकाल सकते हो कि कॉमन वेलोसिटी क्या होगी इनकी, इससे ये निकाल सकते हो कि कॉमन वेलोसिटी क्या होगी। तो कॉमन वेलोसिटी का मतलब VC की वैल्यू निकल जाएगी आपको m1 into u divided by m1 plus m2। और ये कॉमन वेलोसिटी कब आई है, तो एट द टाइम ऑफ, कॉमन वेलोसिटी जब आएगी तो वो होगा एट टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन, ये चीज ध्यान रखना है। इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन आते हैं, स्प्रिंग के मैक्सिमम कंप्रेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, यहां से लेकर के और SHM चैप्टर तक के होंगे। मैक्सिमम कंप्रेशन मतलब कि कॉमन वेलोसिटी आ जाए, और वो निकालेंगे कैसे, तो मोमेंटम कंजर्व करके वो कॉमन वेलोसिटी आप निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, आप अगर आपसे पूछा जाए कि ये मैक्सिमम कंप्रेशन कितना है तो ये कैसे फाइंड करेंगे, मैक्सिमम कंप्रेशन की वैल्यू निकालने को दिया जाए कि मैक्सिमम कंप्रेशन की क्या वैल्यू बनेगी, कितना कितना मैक्सिमम कंप्रेशन होगा इसके अंदर। तो ये निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक बार फिर देखो, बाहर से तो कोई फोर्स लग नहीं रहा, यानी कि बाहर से कोई वर्क नहीं हो रहा, बाहर से कोई वर्क नहीं होने का मतलब ये हुआ कि बाहर से कोई ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं होगी, बाहर से कोई फोर्स नहीं है, बाहर से कोई वर्क नहीं होगा, बाहर से कोई ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगी नहीं, तो सिस्टम की जो भी एनर्जी होगी वो कंजर्व होनी चाहिए क्योंकि अंदर कोई फ्रिक्शन तो लग नहीं रहा इसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो अंदर से कोई एनर्जी लॉस हो नहीं रही और बाहर से कोई एनर्जी ट्रांसफर हो नहीं रही, दैट मीन्स पूरे सिस्टम की जो एनर्जी है वो कंजर्व कराएंगे। तो सेकेंड इक्वेशन हमारी एनर्जी कंजर्वेशन की बनेगी यहाँ पर, अब देखो, यानी कि एनर्जी ऑफ द सिस्टम उसको आप कंजर्व कर दीजिए, कॉन्स्टेंट कर दो, और उससे आप निकाल सकते हो कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। तो इनिशियल एनर्जी क्या थी, जब हमारे स्टार्ट हुआ था फेज वन, तो हमारे पास हाफ एम वन यू स्क्वायर था और स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ पे थी, तो स्प्रिंग में जीरो एनर्जी, और एम टू रेस्ट पे था तो इसमें भी जीरो एनर्जी। लेकिन मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम पर ब्लॉक ए में काइनेटिक एनर्जी होगी, ब्लॉक बी में काइनेटिक एनर्जी होगी और कंप्रेस्ड स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो जब एनर्जी कंजर्व करने की इक्वेशन लिखेंगे तो इसकी इक्वेशन ये बन जाएगी, इनिशियल एनर्जी हाफ एम वन यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू द मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम पर हाफ एम वन वी सी स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी सी स्क्वायर, दोनों ब्लॉक्स की काइनेटिक एनर्जी, और प्लस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के इंटू एक्स मैक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर वी सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ पर ना वी सी की जो वैल्यू है, मतलब ये वैल्यू एम वन यू अपॉन एम वन प्लस एम टू, ये वैल्यू वी सी की यहाँ पर पुट करनी है आपको। अब इसके बाद क्या आंसर आएगा देखो, मतलब वी सी को सब्सटीट्यूट करने के बाद, तो पहले सारे हाफ कैंसिल कर देंगे, उसके बाद बनेगा एम वन यू स्क्वायर माइनस, यहाँ पर आ जाएगा एम वन प्लस एम टू, और वी सी स्क्वायर की जगह रख देंगे तो एम वन स्क्वायर यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू होल स्क्वायर, एंड राइट साइड पर के इंटू एक्स मैक्स स्क्वायर। थोड़ा सा और मैथमेटिक्स लगाओगे इसको, सिंप्लीफाई करोगे, थोड़ी सी और सिंप्लीफिकेशन करिएगा, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखने जा रहा हूँ कि जो एक्स मैक्स की वैल्यू आएगी यहाँ से, वो आएगी यू, मतलब यहाँ पर यू स्क्वायर का फैक्टर आ जाएगा, ठीक है जी, यू, और रूट के अंदर एक टर्म आ जाएगा आपके पास, इट इज एम वन एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू इन दिस होल डिवाइडेड बाई के, ये फैक्टर बनेगा आपका मैक्सिमम कंप्रेशन। ये सब रिजल्ट्स नहीं है, ये सब क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखना, न्यूमेरिकल्स हैं ये सब। तो मैक्सिमम कंप्रेशन की वैल्यू बाई यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एम वन एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू अपॉन के, और कहीं कहीं पर आपको मिल जाएगा, हालांकि इसकी यहाँ जरूरत नहीं है, बट मैं आपके जस्ट जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो टर्म आप यहाँ पर देखते हो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2,
इसको कहीं कहीं पर एक स्पेशल नाम दिया गया है m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 को, तो इसको कहीं कहीं पर रिड्यूस मास का नाम दिया गया है, बट अभी इसकी कोई जरूरत है नहीं आपको, रीजन बिंग कि इससे आपको कोई फायदा होगा नहीं, आई मीन इसका कोई कंसेप्ट हम न्यूमेरिकल्स में अभी यूज नहीं करने जा रहे हैं, बस आपकी जानकारी के लिए बता दिया है कि इसको रिड्यूस मास का नाम दिया है। क्यों नाम दिया है रिड्यूस मास का और इसका क्या काम है ये थोड़ा सा वेट करूं, इसका मेन एप्लीकेशन ऑसिलेशन वाले चैप्टर में है, यहाँ पर बहुत ज्यादा एप्लीकेशन इसका है नहीं, रिड्यूस मास बोल करके भी कोई फायदा नहीं होता हमें, कोई एडवांटेज नहीं है इसका। तो ये हमारी सेकंड स्टोरी आ गई यार कि मैक्सिमम कंप्रेशन निकाल लिया आपने, ठीक है जी। अब तीसरे पॉइंट पर आओ, तीसरा पॉइंट ये है कि हमें इनकी फाइनल वेलोसिटीज निकालनी है, हमें वी वन और वी टू की वैल्यू निकालनी है। तो वी वन और वी टू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो मैं एक बार फिर बोल दूं, सुनो स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना, एक बार फिर बोल रहा हूं, बाहर से कोई फोर्स ना होने की वजह से बाहर से कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही और अंदर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि फ्रिक्शन नहीं काम कर रहा है, इसलिए टोटल एनर्जी कंजर्व है। दोनों बातें होनी चाहिए, न तो बाहर से एनर्जी ट्रांसफर हो और ना अंदर कोई फ्रिक्शन हो, दोनों ही बातें नहीं है इसलिए एनर्जी कंजर्व है। बाहर से फोर्स भी जीरो है इस वजह से मोमेंटम कंजर्व है। रिपीट कर रहा हूं, लीनियर मोमेंटम कंजर्व है क्योंकि आउटसाइड फोर्स जीरो है, एनर्जी कंजर्व है उसके दो रीजंस हैं, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड एंड देयर इज नो इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो अब हम क्या करेंगे ना, बिगिनिंग में जब कोलिजन स्टार्ट हुआ था, जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, यहां की एनर्जी और जब सब कुछ खत्म हो गया उसके बाद की एनर्जी, तो जब स्टार्ट किया था तब एनर्जी थी हाफ एम वन यू स्क्वायर, स्प्रिंग में जीरो एनर्जी और ब्लॉक बी में जीरो एनर्जी, और सारा प्रोसेस जब खत्म हो चुका है, मतलब स्प्रिंग वापस नॉर्मल लेंथ पर आ गई, तो जब स्प्रिंग वापस नॉर्मल लेंथ पर आ गई तो स्प्रिंग में कोई एनर्जी नहीं होगी, अब एनर्जी इस ब्लॉक ए के पास होगी और ब्लॉक बी के पास होगी। तो फिर से हम क्या करने जा रहे हैं, मतलब अब हम जो इक्वेशन लगाएंगे वो ये लगाएंगे दैट मोमेंटम जब हमने स्टार्ट किया था और मोमेंटम जब सारा प्रोसेस एंड हुआ, मतलब एंड ऑफ फेज टू, और यहां हम कह रहे हैं स्टार्ट ऑफ फेज वन, तो इससे हमारी इक्वेशन बन जाएगी m1 into u equal to m1 v1 plus m2 v2, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। एंड दूसरी इक्वेशन आप ये लगाओगे एनर्जी एट द स्टार्ट ऑफ फेज वन, एनर्जी एट द स्टार्ट ऑफ फेज वन एंड एनर्जी एट द एंड ऑफ फेज टू, इनको भी कंजर्व कराओ। इनको कंजर्व करेंगे तो यहां पर लिखा जाएगा हाफ एम वन यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इधर की तरफ हो जाएगा हाफ एम वन वी वन स्क्वायर एंड प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर, ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब इनको सॉल्व करना है तो एक काम करेंगे, देखो जो सेकंड इक्वेशन है ना इसको थोड़ा सा स्मार्टली सॉल्व करेंगे, तो इसमें सारे हाफ तो पहले कैंसिल करेंगे, उसके बाद इसे एम वन वाली टर्म को लेफ्ट साइड लेके जा रहे हैं, तो यहां बन जाएगा एम वन, इसको लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पर यू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इक्वल टू एम टू वी टू स्क्वायर, एंड देन आपके पास ये बन जाएगा एम वन यू माइनस वी वन एंड यू प्लस वी वन इक्वल टू एम टू वी टू स्क्वायर, यानी वी टू इंटू वी टू। और पहली वाली इक्वेशन से, फर्स्ट वाली इक्वेशन से आप एक काम ये देख सकते हो कि अगर आप एम वन वी वन को लेफ्ट साइड लेके जाते हो एम वन वी वन को, तो यहाँ से एक चीज बन जाएगी एम वन यू माइनस वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू। ये जो टर्म आपका देख रहे हो एम वन यू माइनस वी वन और राइट साइड का एक टर्म एम टू वी टू, ये इक्वल है, दोनों वैल्यू सेम है, तो ये कैंसिल कर देंगे, दोनों टर्म्स कैंसिल कर दोगे, इसके बाद आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, मतलब इनको कैंसिल करने के बाद आपके पास रिजल्ट आ जाएगा u इक्वल टू वी टू माइनस वी वन, इस वी वन को फिर उधर लेके गए u इक्वल टू वी टू माइनस वी वन। और ये क्या हुआ, देखो ये क्या हुआ, सिचुएशन ये थी कि मास m1 u स्पीड से चल रहा था बिगिनिंग में और m2 रेस्ट पे था, और बाद में क्या हुआ जब ये प्रोसेस खत्म हुआ तो क्या हुआ, प्रोसेस खत्म होने के बाद m1 के पास वेलोसिटी आई v1 और m2 के पास वेलोसिटी आई v2, लेकिन ध्यान देना जब एंड हुआ ना आपका एंड ऑफ फेज टू, जब सब कुछ खत्म हो गया एंड ऑफ फेज टू, और ये स्टार्ट ऑफ फेज वन की बात कर रहा हूं मैं आपसे,
तो एंड ऑफ फेज टू पर v2 की वैल्यू ज्यादा है, इस बात का ध्यान रखिएगा, v2 ज्यादा है, m2 फास्ट है। अब अगर आपको काइनेमेटिक्स के हिसाब से कहा जाए कि जब स्टार्ट ऑफ फेज वन हुआ था तो इन दोनों में रिलेटिव स्पीड कितनी है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड पूछी जाए, तो रिलेटिव स्पीड अगर निकालना हो आपको दोनों ब्लॉक्स के बीच में, तो एक स्टेशनरी ब्लॉक है और एक यू स्पीड से चल रहा है, और रिलेटिव निकालोगे तो इसका आंसर आ जाएगा यू। और जब एंड ऑफ फेज टू हुआ तब क्या रिलेटिव स्पीड है, स्पीड बोल रहे हैं तो स्पीड कभी माइनस में नहीं आना चाहिए, ध्यान देना, वेलोसिटी नहीं कह रहे, रिलेटिव स्पीड कह रहे, तो एक पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, तो पॉजिटिव वी टू माइनस वी वन, तो यही तो बराबर आ रहा है कि यू इक्वल्स टू वी टू माइनस वी वन नहीं आ रहा है। इसका मतलब एक चीज ये भी कही जा सकती है कि जितनी रिलेटिव स्पीड बिगिनिंग में थी उतनी ही रिलेटिव स्पीड बाद में भी है, इसको भी अपना एक कंसेप्ट बना सकते हो, रिलेटिव स्पीड की वैल्यू, मतलब रिलेटिव स्पीड एट बिगिनिंग जब स्टार्ट हुआ सब कुछ तब का इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड जब सब कुछ खत्म हो गया, रिलेटिव स्पीड एट एंड। ठीक है, अब ना इसको सॉल्व करेंगे, अब इनको सॉल्व करके v1 v2 निकालेंगे। हाँ जी, ये मैं समझा रहा हूँ, इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ बताओ, इस पूरे प्रोसेस में मैंने इसीलिए कहा था कोलिजन को समझने के लिए इस एग्जांपल को समझो, क्योंकि बहुत बढ़िया एग्जांपल है कोलिजन की डेप्थ को समझने के लिए कि कोलिजन प्रोसेस में इंटरनली क्या फिनोमेना होता है। अगर आप इस पूरे प्रोसेस को देखो तो क्या कहीं पर भी इस सिस्टम की एनर्जी में कोई लॉस हुआ, क्या लिखा गया यहाँ पर, हाँ मतलब एनर्जी स्टार्ट ऑफ द फेज वन एंड एनर्जी एंड ऑफ द फेज टू बराबर है, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले थी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बाद में भी है, तो देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और स्टार्टिंग में इसी को हम लोगों ने क्या क्लासिफाई किया था इलास्टिक कोलिजन में, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। यानी ये एग्जांपल जो भी आपने देखा है ना, ये एग्जांपल इनडायरेक्टली इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल हो गया। तो अब इसको समराइज कर लो आप, अगर ये समझ में आ गया तो इलास्टिक कोलिजन भी समझ में आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यानी कि कोलिजन में दो फेजेस इन्वॉल्व होते हैं, किसी भी कोलिजन में दो फेज आएंगी, किसी भी कोलिजन में पहला फेज वो होता है जिसमें स्ट्राइक करने वाली बॉडी फास्ट होती है और टारगेट वाली बॉडी स्लो होती है, स्ट्राइकर एंड टारगेट के नाम ले अगर, तो फेज वन के अंदर ये होता है कि दोनों के बीच, मतलब दोनों बॉडीज जो आपस में कोलाइड कर रही हैं उनके बीच का डिस्टेंस कम होता है, डिफॉर्मेशन होती है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आएगी, और फेज टू वो होता है जहां पर इस डिफॉर्मेशन को हम वापस रिकवर करते हैं किसी भी, और ये चीज सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में नहीं होगी, ये किसी भी कोलिजन में होगी, किसी भी कोलिजन में ये दोनों फेजेस आएंगी। अगर कोई कोलिजन ऐसा हो जिसमें फेज टू कभी आए ही ना, कोई ऐसा कोलिजन हो जाए जिसमें फेज टू कभी नहीं आए, मतलब फेज वन का जो एंड है वही फाइनल एंड मान लिया जाए, फेज वन का एंड क्या है, जब दोनों ब्लॉक कॉमन वेलोसिटी पे चल रहे हैं, यही हमारा एंड पॉइंट है, इसके आगे कुछ नहीं होगा, तो ये कोलिजन आपके लिए कहलाता है, इस टाइप का कोलिजन आप बोलते हो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, जिसमें ये कहा जाता है कि दोनों बॉडीज एक कॉमन वेलोसिटी पे चलेंगी, ए और बी एक कॉमन वेलोसिटी पे चलेंगी। पूछना है कुछ इसमें सर इसमें अगर फ्रिक्शन भी लग रहा होता तो भी वो हम इंटरनल फोर्स मानते और तब भी हम एनर्जी कंजर्व कर सकते थे? नहीं 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 बिल्कुल नहीं, मतलब इंटरनल फोर्स रहता तो क्यों नहीं कर सकते थे? तो एनर्जी के लिए ना, एनर्जी के लिए ये जरूरी नहीं है कि इंटरनल फोर्स, एनर्जी में हमको ये देखना होता है, देखिए एनर्जी एक वर्क डन का कंसेप्ट है, तो फ्रिक्शन अगर अंदर लग रहा है तो रबिंग होगी, रबिंग होगी तो जो एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी नहीं कंजर्व करा सकते आप, टोटल एनर्जी तो कंजर्व होगी लेकिन काइनेटिक एनर्जी, देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड किसी और फॉर्म में चली जाए या फिर बाहर ट्रांसफर हो जाए, साउंड के एग्जांपल में, लाइट के एग्जांपल में, तो कैसे कंजर्व कराओगे आप, काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कंजर्व करा सकते हैं, टोटल एनर्जी तो वैसे भी कंजर्व होती है किसी भी सिस्टम की, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है सर, ठीक है ना, ये सब कहानी है इसमें।
देखो नोट्स भी सफिशियंट है, मतलब परफेक्ट नोट्स हैं, इतने नोट्स के साथ आप कोलिजन का कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हो। और प्लस ये जो एग्जांपल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स में लेता हूँ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन ड्यूरिंग द कोलिजन ऑफ टू बॉडीज। समराइज कर रहा हूँ फिर से, ड्यूरिंग द कोलिजन ऑफ टू बॉडीज, नंबर वन, इन द बिगिनिंग द टू बॉडीज कम क्लोज टू ईच अदर, दे कम क्लोज टू ईच अदर, देर इज अ स्टेज ऑफ अ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन एट विच द वेलोसिटीज आर कॉमन, both move with the common velocities, and then there comes a second stage in which the deformation is now recovered. The deformation is now recovered. Technically, phase 2 को ना एक और नाम दिया जाता है। अगर आप technically बात करेंगे तो phase 2 is called as a period of restitution. इसको period of restitution भी बोलते हैं। Deformation को recover करने का टेक्निकल वर्ड कहलाता है आपका रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन इज अ फिनोमेना इन विच द डिफॉर्मेशन अकर्ड ड्यूरिंग कोलिजन इज नाउ रिकवर्ड। जितना डिफॉर्मेशन, जो डैमेज कोलिजन से हुआ था, वो डैमेज अब सही होने लगा, तो इस पीरियड को आप कह सकते हो कि ये रेस्टिट्यूशन पीरियड है। और अभी जो एग्जाम्पल आपने कंसिडर किया है वो है एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का एग्जाम्पल। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की अल्टीमेटली कोई डैमेज नहीं होगा, हाँ एक टेम्पररी डैमेज हुआ था, टेम्पररली स्प्रिंग डिफॉर्म हुई लेकिन बाद में वापस नॉर्मल हो गई। तो इलास्टिक कोलिजन इसका एग्जांपल जानते हैं कौन सा है? कभी भी आप, अगर आप कभी यहाँ पर फन सिटी वगैरह में गए हो कभी भी, तो बम्पर कार्स देखते हो आप, वो जो प्लास्टिक वाली कार्स होती है जो ट्रैक पे चलती है, वो छोटी छोटी जो बड़ा टफ होता है उनको कंट्रोल करना, कहीं भी भागा करते हैं वो। याद रहा कौन सा कह रहा हूँ मैं आपको, मतलब एक छोटा सा सर्कल, तो उसमें जब कारें आपस में टकराती हैं तो क्या कोई डैमेज होता है? मतलब रोड पे, अगर आप एक रोड पे कार एक्सीडेंट देख लो और बम्पर कार वाले कार एक्सीडेंट देख लो, तो दोनों एक्सीडेंट्स में फर्क, अभी रोड पे दो कारें टकरा जाए अगर हाई स्पीड पर, पूरा पूरा डैमेज। बम्पर कार प्लास्टिक बनी होती है, प्लास्टिक की बॉडीज है, रबर की बॉडीज है, इलास्टिक बॉडीज है, वो आपस में कोलाइड करेंगे भी, तो जो डैमेज होगा वो टेम्पररी होगा, जैसे ही दोनों कार अलग होंगी डैमेज फिर खत्म, वापस दोनों कार अपने नॉर्मल शेप में आ गई। yes, ना वो बेस्ट एग्जांपल है इलास्टिक कोलिजन का। जैसे भी टकराव, कोई नुकसान नहीं होने वाला उसमें, ना चलाने वाले को नुकसान होगा ना गाड़ी को कोई नुकसान होगा। ठीक है आप, लेकिन देखो मैंने यहाँ पर ये भी तो कहा ना कि सारे कोलिजन इलास्टिक तो होते नहीं है। इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन्स आर लिमिटिंग केसेस, अ लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन्स फॉल इन द रेंज बिटवीन देम। यानी कि अब सिचुएशन क्या होगी, अब इसको एक बार फिर से समझना होगा आपको। अब मैं जनरलाइज डिस्कशन करने जा रहा हूँ, जनरल डिस्कशन। अगर ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा तो अब आगे की कहानी भी समझ में आएगी, और एग्जाम्पल नहीं समझ में आया तो बच्चा दिक्कत है फिर। तो देखिए, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, मैं जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ पर, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, ये दोनों मूव कर रहे हैं मान लीजिए यू टू वेलोसिटी से और यू वन वेलोसिटी से, यू वन एंड यू टू, और ये वेलोसिटीज कोलिजन के जस्ट पहले की हैं, जस्ट बिफोर कोलिजन में ये वेलोसिटीज हैं। मैंने आपसे कहा कि ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएंगी और ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को कंप्रेस करेंगी, मतलब जो बॉडी ए है और जो बॉडी बी है, जब ये कांटेक्ट करेंगे तो ये एक दूसरे को दबाएंगे और इनके डिफॉर्मेशन आएंगे, मतलब इन बॉडीज का जो शेप होगा वो चेंज कर जाएगा। और एक स्टेज आएगी जब ये दोनों मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की स्टेज पर आएंगे, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। अब आप स्प्रिंग वाले से समझना इसको, उस मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की स्टेज पर ए और बी की एक कॉमन वेलोसिटी वीसी हो गई, और इसको हम लोगों ने अभी पीछे फेज वन का नाम दिया था, ये मेरा पहला फेज है जिसमें कोलिजन स्टार्ट होता है और मैक्सिमम डिफॉर्मेशन तक जाते हैं। इसके बाद हम फेज टू की तरफ आते हैं। फेज टू होता है जब ये दोनों बॉडीज अपनी डिफॉर्मेशन को रिकवर कर लेते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो फिर से ये बॉडी ए और बॉडी बी एक दूसरे से अलग हो गई, सेपरेट हो गई ये। अब बॉडी ए की वेलोसिटी को आप वी वन कहोगे और बॉडी बी की वेलोसिटी को वी टू, एंड नेचुरली वी टू ज्यादा होगा। और ए भी ऑब्वियस है, ये भी ऑब्वियस है कि पहले वाले केस में यू वन ज्यादा रहा होगा तभी कोलिजन हुई होगी, ब्लॉक ए के पास ज्यादा स्पीड होगी तभी ये बी से कोलाइड हुआ होगा,
और बाद में ब्लॉक बी फास्ट हो गया। ये इस सिचुएशन को पिछले वाले से कंपेयर कर रहे हो, मतलब ये जस्ट आफ्टर कोलिजन की बात कर रहा हूं मैं, आपको पिछले एग्जांपल से ये बात समझ में आ रही है स्प्रिंग वाले से कंपेयर करने पर, ये तीन फेजेस जो आपको दिखाई जा रहे हैं। बोले प्रीवियस एग्जांपल से, मतलब ये जो भी हमारा एग्जांपल था इसके हिसाब से देखो, तो इसके हिसाब से हम कह रहे हैं सबसे पहले ए और बी एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएंगे, जब ये कॉन्टेक्ट में आएंगे तो ए और बी के बीच में जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो जाएगी मैक्सिमम कंप्रेशन, उसके बाद वो स्प्रिंग अपने कंप्रेशन को रिकवर करेगी और ए और बी फिर से अलग हो जाएंगे। अब आप बोलोगे ये हो सकता है आपके मन में ये आ जाए कि यार यहाँ कोई स्प्रिंग तो है नहीं, इस सिचुएशन में कोई स्प्रिंग तो है नहीं यहाँ पर, लेकिन एटॉमिक लेवल पर जब आप जाएंगे ना तो इसको माइक्रो लेवल पर बात करें, माइक्रो फिजिक्स की बात करोगे तो एटॉमिक लेवल पर बी की सरफेस और ए की सरफेस हर एक बॉडी में कुछ ना कुछ इलास्टिसिटी होती है, यंग्स मॉडुलस कंसेप्ट, दुनिया की हर बॉडी इलास्टिक है, इवन स्टील भी इलास्टिक है। अब बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है क्लास 11th में कि स्टील और रबर में से ज्यादा इलास्टिक बॉडी कौन सी है, और कई लोगों के आंसर इसमें गलत भी हो जाते हैं। आप लोग को आंसर इसका पता है, स्टील और रबर में से मोस्ट इलास्टिक बॉडी कौन सी है, ज्यादा इलास्टिक बॉडी किसको बोलते हैं? स्टील। लेकिन हाँ, अब अगर आप, हाँ बिल्कुल, अगर आप थ्योरेटिकल लेवल पे सोचोगे तो स्टील, स्टील में कोई डैमेज नहीं आता है, स्टील के बर्तन होते हैं आए दिन घरों में गिरा करते हैं, कितना डैमेज आ जाता है उसके अंदर, गिरने पर कोलाइड करते हैं कोई डैमेज तो आता नहीं है, लेकिन वो डैमेज हमको ऊपर मैक्रो लेवल पर नहीं दिखता, आपको ऊपर के लेवल पर नहीं दिखेगा, लेकिन एटॉमिक लेवल पर जाओगे तो उसमें कुछ ना कुछ डैमेज तो आ ही चुका है, माइक्रो लेवल पर डैमेज है उसमें। तो ऐसे ही बॉडीज की जो सर्फेसेस है ना वो एटॉमिक लेवल माइक्रो लेवल पर स्प्रिंग जैसा ही काम करते हैं, ये सर्फेसेस दबती हैं कंप्रेस होती हैं, हमको ऊपर से नहीं दिखेंगी, ऊपर से आपको कोई चीज दबी हुई नहीं दिखेगी, लेकिन अंदर एटॉमिक लेवल पर वो कंप्रेस हो चुके हैं। तो स्प्रिंग जैसी सिचुएशन आएगी फेज वन एंड फेज टू की, और क्या क्या इक्वेशंस बनाओगे, देखो क्या क्या इक्वेशंस बनाएंगे, मोमेंटम, सबसे पहले आप मोमेंटम को कंजर्व करेंगे, और कब कंजर्व करेंगे, मोमेंटम को कब कंजर्व करेंगे, किन किन मोमेंट्स पर कंजर्व करेंगे, मैं जस्ट बिफोर कोलिजन को जेबीसी लिखूंगा और जस्ट आफ्टर कोलिजन को जेएसी लिखूंगा, तो मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन, अच्छा, और मैक्सिमम डिफॉर्मेशन को, मतलब ये भी एक पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पर, ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की स्टेज है, तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन को हम लिख देंगे, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन को एमडी, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, तो मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन, मोमेंटम एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन एंड मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन। पिछले क्वेश्चन में क्या तीनों को बराबर नहीं किया गया है, पहले वाला मोमेंटम, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन वाला मोमेंटम और बाद वाला मोमेंटम, ये सब आपस में बराबर होंगे, यानी कि मोमेंटम आप किसी भी मोमेंट पर कंजर्व करा सकते हो, नंबर वन, ये फर्स्ट कंसेप्ट हो गया, किसी भी टाइम पर मोमेंटम कंजर्व होगा। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, मतलब इसके थ्रू आप इक्वेशंस बनाओगे, और इसीलिए मोस्टली ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में आप डिफॉर्मेशन वाले को स्किप कर जाते हो, और ज्यादातर न्यूमेरिकल में इसको और इसको लेकर के हम इक्वेशन बनाते हैं, और क्या इक्वेशन बन जाती है, इन दोनों को लेकर के एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल टू, फाइनल लिख देते हो आप एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में ये काम करते हो आप, कोलिजन्स के न्यूमेरिकल में पहले इक्वेशन इसको बनाते हो। और दूसरी इक्वेशन कौन सी बनाएंगे यार, यहाँ पर सेकंड इक्वेशन अगर पूछी जाए कि कौन सी होगी, सेकंड इक्वेशन अगर बनाने दीजिए जाए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर आपको वी वन पूछा जाता है और मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये वी टू पूछा जाएगा, तो दो अननोन्स पूछे जाते हैं ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में, तो कम से कम एक और इक्वेशन चाहिए होगी आपको, एक तो बन जाएगी मोमेंटम की, एक और इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन वो तो तब होगा ना जब कोलिजन इलास्टिक होगा। देखिए सिचुएशन क्या होती है ना, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, रियल लाइफ में ये दोनों आपके ना आइडियल कॉन्सेप्ट्स हैं, इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक आइडियल कॉन्सेप्ट्स हैं, लिमिटिंग केसेस हैं, बार बार आपसे कहा जा रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन्स फॉल इन द रेंज बिटवीन देम, तो इसका मतलब हम एनर्जी कंजर्वेशन को जनरलाइज नहीं कर सकते, इलास्टिक कोलिजन होगा तो आप करा सकते हो। देखिए जनरलाइज वे में ना हमको ये करना होता है, यहाँ पर ये जो कंसेप्ट आपने पढ़ा है ना, यहाँ पर रिलेटिव स्पीड वाला है, इसको जनरलाइज करेंगे कि इलास्टिक कोलिजन में
बिगिनिंग वाली रिलेटिव स्पीड और बाद वाली रिलेटिव स्पीड बराबर है, इसको जनरलाइज करूं, स्टार्टिंग वाली रिलेटिव स्पीड और बाद वाली रिलेटिव स्पीड बराबर है, और इन जनरल ऐसा नहीं होगा, इन जनरल क्या होता है तो उसको हम लोगों बेसिकली उसी को रेस्टिट्यूशन कहा गया है, उसी को रेस्टिट्यूशन का लॉ दिया गया है, और वो बेसिकली न्यूटन लॉ ऑफ कोलिजन कहलाता है। न्यूटन का यहाँ पर भी एक लॉ है, जैसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया आपने, ये न्यूटन लॉ कोलिजन का लॉ है, न्यूटन लॉ ऑफ कोलिजन। इनका ये कहना था कि रिलेटिव स्पीड कोलिजन के बाद वाली, रिलेटिव स्पीड जस्ट आफ्टर द कोलिजन, डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड जस्ट बिफोर कोलिजन। अगर आप ये रेशियो फाइंड करते हो रिलेटिव स्पीड्स का, तो ये एक फिक्स वैल्यू बनती है, एक कांस्टेंट वैल्यू बनती है, जिसको स्मॉल ई से डिनोट कर दिया गया और नाम दे दिया गया इसका कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है जी, इसको नाम दे दिया गया कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और इसकी दो लिमिटिंग वैल्यूज होंगी, तो ई की दो लिमिटिंग वैल्यूज में इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो लेते हैं, वो आप कहते हो कि इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर आएगा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में, और E की वैल्यू मैक्सिमम लेते हैं इक्वल टू वन, वो दूसरा वाला लिमिट हो गया हमारा, जिसको हम कहते हैं ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। सो आगे के न्यूमेरिकल्स करने के लिए, जो भी न्यूमेरिकल्स अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें हम यही दो इक्वेशंस फॉलो करेंगे। दो इक्वेशंस, कौन से दो इक्वेशंस, फिर से बोल रहा हूँ आपसे, एक इक्वेशन आप रखोगे मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन आप ये लगाओगे जो न्यूटन लॉ ऑफ कोलिजन है, दैट रिलेटिव स्पीड जस्ट आफ्टर द कोलिजन इज डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड जस्ट बिफोर कोलिजन इज स्मॉल ई, कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन न्यूमेरिकल्स में ये दिया जाएगा तुम्हें। तो ये दो से आप कोलिजन के कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो, कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाए इन दो इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। सर जी, सर जैसे कोई बॉडी है वो दूसरे से कोलाइड होती है और इनइलास्टिक कोलिजन होता है, और वैसे ही दूसरी बॉडी पे फोर्स लगने लगता है तुरंत कोलाइड होते ही, तो मोमेंटम कंजर्वेशन कौन से फेजेस में लगाएंगे, स्टार्टिंग और बीच वाले में? बता रहा हूँ, सब बता रहे हैं आपको, मतलब तो थ्योरी पार्ट से भी चल रहा है ये, आप थोड़ा समझना, करीब 15-20 मिनट्स का वेट और करो, अभी अभी आपको सारे डाउट क्लियर कर देंगे इसमें जितने भी डाउट हैं। उसके पहले ना यार एक क्वेरी है मेरी, इसको आगे बढ़ने से पहले, इसको आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है कि हम लोग अलग अलग टाइप के कोलिजन्स पढ़ रहे हैं। देखो मेरे ख्याल से वॉइस कुछ इंटरप्ट हो गई थी सर, अभी वॉइस क्लियर है ना? यस सर। पहले मैं ना आगे बढ़ने से पहले थ्योरी पार्ट आपका सही कर दूं। देखिए इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि नहीं यहाँ बच्चा वर्ड्स का गेम है, इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में इसको ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, कैपिटल पी मतलब लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व एट ईच मोमेंट, और दूसरा स्टेटमेंट दे रहा हूँ आपसे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कंजर्व एट ईच मोमेंट। सी ऑप्शन दे रहा हूं आपको, काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली सिस्टम होगा ये भी, इज नॉट कंजर्व्ड ड्यूरिंग द कोलिजन, ये आपसे कहा जा रहा है, और डी ऑप्शन ये कहा जा रहा है सेकंड ऑप्शन, दैट टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। अब बताओ क्या होगा इसमें, वर्ड्स को क्लियर कर ले, न्यूमेरिकल तो हो ही जाएंगे, न्यूमेरिकल करना टफ काम नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी टॉपिक की तो न्यूमेरिकल भी हो जाएगा, बड़े आराम से होगा। तो देखिए किसी भी कोलिजन को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लो आप, इस टाइप के क्वेश्चन देने के लिए तीन पार्ट्स कौन से हैं, देखिए फेज वन, फेज टू, और इनके बीच का पोर्शन जो आता है मैक्सिमम डिफॉर्मेशन वाला पॉइंट। तो मोमेंटम तो आपने हर जगह कंजर्व पर रखा है तीनों, तो इसका मतलब सही ऑप्शन है इसमें ए, दैट मोमेंटम इज कंजर्व्ड एट ईच मोमेंट। काइनेटिक एनर्जी की बात करो, क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है? नो सर।
मतलब क्या जितनी काइनेटिक एनर्जी ए और बी की यहाँ पर थी जस्ट बिफोर कोलिजन, क्या उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इनकी यहाँ पर भी है मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पर भी? नहीं है ना. और देखो पिछले भी एग्जांपल भी देख लो आप चाहो तो, यहाँ पर वर्किंग में क्या किया आपने, हाफ एम वन यू वन स्क्वायर मतलब स्टार्टिंग वाली काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कॉमन वेलोसिटी वाली काइनेटिक एनर्जी और प्लस स्प्रिंग एनर्जी भी तो है वहां पर. तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कंजर्व है, काइनेटिक में पोटेंशियल मिला करके कंजर्व कराया जा रहा है आपका. काइनेटिक प्लस पोटेंशियल यानी कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है. अगर हम बात करें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की तो वो कंजर्व नहीं है यहाँ पर. और ये आपसे यही कहा जा रहा है, देखिए ईच मोमेंट, तो उस ईच मोमेंट में तो फिर वो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन भी तो इंक्लूडेड है इसके अंदर, वो भी तो एक मोमेंट ही है मैक्सिमम डिफॉर्मेशन. और उस टाइम पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कंजर्व है. ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट हुआ. फिर ये जो कह रहे हैं नॉट कंजर्व्ड ड्यूरिंग कोलिजन, ये सही है कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड ड्यूरिंग कोलिजन. ड्यूरिंग जब कोलिजन हुआ, मतलब मैं इसको ई ऑप्शन लिख दे रहा हूं आपको. ई ऑप्शन कहता है कि काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर कोलिजन, बट दिस इज नॉट इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन. और बेटर तरीके से समझा दे रहा हूं आपको. ड्यूरिंग कोलिजन का मतलब जब स्प्रिंग कंप्रेस थी वहां पर, कौन सा एप्रोप्रिएट ऑप्शन दिख रहा है इसमें से? ई वाला तो सही है ना, जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर कंजर्व है, लेकिन ड्यूरिंग में कंजर्व नहीं है वो. क्योंकि ड्यूरिंग में क्या हो रहा है, वाई ड्यूरिंग में क्यों नहीं कंजर्व है, क्योंकि ड्यूरिंग में कि काइनेटिक का कुछ पोर्शन पोटेंशियल में चला गया, स्प्रिंग में चला गया, तो ड्यूरिंग वाला तो कंजर्व है नहीं, पहले और बाद वाला कंजर्व है. और डी ऑप्शन सही नहीं है, टोटल एनर्जी सही है. ये तो दुनिया के हर सिस्टम का कंजर्व होता है भाई. टोटल एनर्जी का मतलब होता है, टोटल एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी के सारे फॉर्म्स आप ले लें, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इसको टोटल कहते हो आप. तो ये तो हमेशा ही कंजर्व होता है, इसके बारे में स्टेटमेंट यही है कि एनर्जी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होती. तो ना देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, तुम लोगों के लिए दिक्कत है, हम लोग के लिए नहीं होती, क्योंकि हमारे माइंड में, क्योंकि आप लोग क्या होता है ना, हैबिचुअल हो चुके हो, तो आप एनर्जी को जब सुनते हो, आपके सामने जब एनर्जी का वर्ड आता है ना, तो आपके माइंड में एक ही पिक्चर आती है, काइनेटिक पोटेंशियल. आप एनर्जी को दो ही वर्ड्स में देखते हो, काइनेटिक और पोटेंशियल के फॉर्म में. तो थोड़ा सा ना क्वेश्चंस में एग्जाम टाइम पर पर्टिकुलरली प्रेशर इतना ज्यादा होता है आपके पर कि मतलब ये सब एरर्स हो जाती हैं. देखिए मैकेनिकल एनर्जी वर्ड लिखा हो तो एक अलग मीनिंग है, उसका मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. सिर्फ काइनेटिक लिखा है तो ऑब्वियसली अलग मतलब है, टोटल एनर्जी लिखा है तो इसका अलग मतलब है. टोटल एनर्जी का मतलब इंक्लूडिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये हमेशा कंजर्व होगा, ये तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है. सी ऑप्शन सही नहीं है क्या? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड ड्यूरिंग कोलिजन. अभी अगर ई सही है तो फिर सी भी सही है. Yes, चलो फिर बोल रहे हैं आपसे न्यूमेरिकल करना, 10 मिनट का काम था, 10 मिनट के अंदर दो इक्वेशन लिखते हैं और आप भी खुश हो जाते हैं, हम भी खुश हो जाते हैं वहां पर कि चलो मेरे क्वेश्चन होने लगे. परफेक्शन नहीं आएगी. फिर ये जो डाउट अभी पूछा था इन लोगों ने ना कि सर वहां फ्रिक्शन लग रहा होगा तो क्या करेंगे, ये लग रहा होगा तो क्या करेंगे, ऐसे जो डाउट्स मन में आते हैं कि हम कोलिजन में किसका मोमेंटम कंजर्व कराएं, किसको ना कराएं, एनर्जी कंजर्व होगी कि नहीं होगी, ये जो आपके मन में डाउट्स आते हैं पहले वो रेक्टिफाई कर लो. आप अपने को इतना कंसेप्चुअली क्लियर कर लो कि क्वेश्चन खुद से हो, अपने आप होने लगे क्वेश्चन, ना किसी टीचर की जरूरत पड़ जाए आपको, ना किसी बुक की जरूरत पड़े. इसलिए इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर. देखिए सो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन और इन जनरल ये जो रेस्टिट्यूशन वाला कंसेप्ट है, इन तीनों को लेकर के चलोगे आप, इन तीनों को लेकर के. मैं एक बार फिर से यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ, परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब हुआ परफेक्टली इन इलास्टिक फेज टू आएगा ही नहीं उसके अंदर, मतलब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन ही फाइनल है. और इसी वजह से कहा जाता है कि मैक्सिमम, इसीलिए कहते हो कि परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब दोनों बॉडी एक दूसरे से स्टिक कर जाती है, चिपक जाती है, वो स्टिक कर गई और वो एक कॉमन वेलोसिटी पर चलेंगी. उसको कह देंगे परफेक्टली इनइलास्टिक.
ठीक है जी बच्चा लोग बढ़े आगे, अब कोई डाउट है मन में तो बताइए, किसी भी तरीके का क्वेरी, थियोरेटिकल डाउट, न्यूमेरिकल मत पूछना अभी कि उसका फ्रिक्शन लगेगा तो क्या करेंगे, न्यूमेरिकल तो हम अभी करके दिखा देंगे आपको, जितना अभी बताया गया है इसमें से कोई डाउट है आपको, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक और एक जनरल कोलिजन, समझ आया तीनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस सर, है ना? Yes, और ये बात समझ में आ रही है कि कोलिजन के वक्त बॉडीज डिफॉर्म होती हैं जो कि हमको मैक्रो लेवल पर अपनी आंखों से नहीं दिखेंगे, बैट और बॉल का कोलिजन हुआ तो बॉल डैमेज होती हुई दिखाई नहीं पड़ती आपको, आपको नहीं दिखता कि बॉल में कोई डैमेज हुआ है, लेकिन उसको लैब में लेके चलो, लेबोरेटरी में लेके चलो, उसमें डैमेजेस दिखेंगे। तो डैमेजिंग हमेशा होती है, देखो डिफॉर्मेशन हमेशा होगा बॉडीज के बीच में, चाहे कितनी हार्ड बॉडीज हों, वो लोहे की क्यों ना बनी हो तब भी डिफॉर्म होगी वो, तो कुछ ना कुछ एनर्जी डिफॉर्मेशन में चली जाएगी। बट अगर ये डिफॉर्मेशन वापस रिकवर हो गया, बॉडीज फिर वैसी हो गई जैसी पहले थी, जो कि एक आइडियल कंडीशन है, क्योंकि दुनिया का कोई भी डिफॉर्मेशन 100% रिकवर नहीं कर सकते आप, तो इसीलिए कह रहे हैं कि इलास्टिक कोलिजन एक आइडियल कंसेप्ट है, इन इलास्टिक कोलिजन आइडियल कंसेप्ट है, सारे कोलिजन इनके बीच में लाई करते हैं, इसीलिए ये न्यूटन ने अपना एक लॉ इंट्रोड्यूस किया प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। और बच्चा लोग एक काम और करना है, देखो मैं आपको बताऊं, एक काम और करना है हमको यहाँ पर, ठीक है? चलिए क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करें, फिर बताते हैं आपको क्या करना है। देखिए परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, सबसे पहले तो इसको मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल के साथ कर रहा हूँ, यहाँ देखो परफेक्टली इन इलास्टिक से स्टार्ट करेंगे, वन डायमेंशनल परफेक्टली इन इलास्टिक, दोनों बॉडीज अलग अलग चल रही थी जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन, m1 प्लस m2, मतलब ये एक सिंगल बॉडी बन जाएंगे, एक यूनिट बन गए वो, तो v से। अब आप इसको न्यूमेरिकल के फॉर्म में करो ना यार, m1 की वैल्यू मान लिया जाए 6 किलोग्राम थी, m2 की वैल्यू, क्योंकि थ्योरी आप पढ़ चुके हैं, अब m2 की वैल्यू 4 किलोग्राम है, u1 की वैल्यू यहाँ पर दी गई है आपको मान लो 5 मीटर पर सेकंड की, और u2 की वैल्यू दी जा रही है, u2 भी हम मान लेते हैं कि u2 को हमें कम करना पड़ेगा, u2 को वैल्यू 3 मीटर पर सेकंड है मान लीजिए, तो बताएं इसमें क्या आएगा, फर्स्ट पार्ट इसमें v की क्या वैल्यू आएगी, मतलब वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन कितना आएगा, और सेकंड पार्ट व्हाट इज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये दो क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे। तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट बताओ क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको यार। तो अब आपकी थ्योरी क्लियर हो गई, देखो थ्योरी ये है कि कोई भी कोलिजन हो, किसी भी टाइप का कोलिजन हो, मोमेंटम कंजर्व होगा किसी भी टाइप के कोलिजन में, चाहे वो इन इलास्टिक कोलिजन हो, चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो, चाहे वो जनरलाइज कोलिजन हो, किसी भी टाइप के कोलिजन में मोमेंटम की वैल्यू को कंजर्व कराओ, करा के बताओ क्या आंसर आएगा अगर मोमेंटम कंजर्व कराते हैं यहाँ पर, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इनटू v, आंसर बताइए अब क्या आ रहा है, 4.2 है ना, 4.2 2, ठीक है, सिर्फ नंबर एंटर करना है यार, अब आपको कुछ नहीं करना है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस m2 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल टू m1 प्लस m2 10 किलोग्राम इनटू v, यहां से v की वैल्यू निकाल सकते हो, फर्स्ट पार्ट यहां से आ जाएगा आपका। सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, फॉर द सेकंड पार्ट अगर आपसे पूछा जाए कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ हमारा, तो इसको निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर कोलिजन निकालेंगे, तो जस्ट बिफोर कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर, आप न्यूमेरिकल वैल्यू अपने आप रखो, मैं न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पुट करने वाला इसके अंदर, क्योंकि सब कुछ यहाँ दिया हुआ है, तो मैं सिर्फ नंबर एंटर कर लूँ, ये जस्ट बिफोर वाली एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो निकालोगे, फाइनल का मतलब यही, क्योंकि तो इसमें मैक्सिमम यही चीज फाइनल है, तो वहां पर दोनों कंबाइंड होकर के वी वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा हाफ m1 प्लस m2 इनटू वी स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट करके नंबर्स निकाल लो और देखो कितना आता है आपका लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस फाइंड करने के लिए आप हमेशा क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर कोलिजन एंड माइनस द काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल आई है आपकी, इसको लेस कर दे एंड देख ले क्या आंसर बनेगा, ठीक है? कर लेंगे इसको, क्या अभी बता कुछ करना है इसमें, कर लेंगे सर, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं और कुछ नहीं है। नेक्स्ट सर, हाँ जी सर, जो ये लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी का, ये केवल उसकी डिफॉर्मेशन में जाएगा या फिर नहीं, रियलिस्टिक कंडीशन में जब कोलिजन होते हैं, भाई दो चीजें, जब आवाज भी तो आती है, दो कारें एक्सीडेंट होंगी तो आवाज नहीं आएगी, या बैट बॉल कोलिजन होगा तो आवाज तो आती है ना, क्रिकेट में
क्रिकेट में जो डाउटफुल डिसीजंस होते हैं उनका थर्ड अंपायर कैसे टेस्ट कर रहा होता है, बैट बॉल को छुई है कि नहीं छुई है, कभी कभी कॉट बिहाइंड वाला जो कभी कभी डिसीजन आते हैं, ये LBW के टाइम पर कभी कभी चेक करना होता है कि बॉल पहले बैट को थोड़ी टच कर गई. तो क्या क्या कौन सा कंसेप्ट लगाते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो वहां पर? एक स्निकोमीटर यूज करते हैं, तो इसका मतलब कोलिजन होगी तो साउंड आएगी तो वेव आती है, इसीलिए कभी कभी वहाँ वेव जैसी फिगर्स बनती हैं. अगर अच्छा खासा वेव बना तो थर्ड अंपायर को समझ में आता है कि इसका मतलब वहाँ कोलिजन हुई है. तो कोलिजन का क्लियर एविडेंस है कि साउंड आता है उसमें. अब वो साउंड आपको सुनाई देगा कि नहीं देगा ये दूसरी बात है, जो ग्राउंड अंपायर है उनको नहीं सुनाई दे रहा है, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड लो है इस वजह से नहीं सुनाई पड़ रहा है आपको, बट साउंड आएगा किसी भी कोलिजन में आएगा. तो यानी कि कोलिजन में ये जो पिछले क्वेश्चन में आपने पूछा ना कि सर ये लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जाएगा कहाँ पर, तो देखो अगर प्रैक्टिकल बात करोगे तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस कई सारे फॉर्म में जाता है. कुछ ना कुछ टेम्परेचर राइज करने में चला जाएगा, कुछ साउंड के फॉर्म में चला जाएगा, डिफॉर्मेशन में भी जाएगा. बट हम लोग जब 11th-12th क्लास के स्टैंडर्ड पर न्यूमेरिकल करते हैं ना, तो साउंड, लाइट, थर्मल ये सबको अवॉइड करते हो आप. मैकेनिक्स में आप सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी ही देखते हो. तो अगर मुझे आंसर न्यूमेरिकल वाइज देना होगा तो मैं ये कह दूंगा कि ये जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है ये पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफर हो चुका है. तो ये जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस देख रहे हो यही चीज, इसको हम कह देंगे कि ये डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी. लेकिन एक्चुअल में मैं फिर बोल रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल करना अलग बात होती है बच्चे, लेकिन रियलिस्टिक कंडीशन में आपको बता दें कि साउंड भी जनरेट होते हैं, लाइट भी आएगी अगर कुछ हुआ तो. अब सॉलिड बॉडीज में तो लाइट जनरेट नहीं होती है, मतलब वेव जनरेट होती है, बट फिर भी वेव आएगी उसमें. क्लियर हो गया डाउट आपका? नेक्स्ट देखो, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ तो आप क्या क्या करोगे, इसको भी न्यूमेरिकल के फॉर्म में ही देखेंगे. सपोज दैट M1 की वैल्यू 6 किलोग्राम है और M2 की वैल्यू 4 किलोग्राम मान लेते हैं, वापस वैसे ही U1 की वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकंड मान ले और U2 की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड मान ले. चले V1 और V2 कितना होगा ये बताना है आपको. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है इसका. पहली इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन की, तो 6 किलोग्राम इंटू 10 मीटर पर सेकंड, 6 × 10 डायरेक्टली लिखो और प्लस 4 × 5 मोमेंटम और बाद में M1 V1 प्लस M2 V2. तो M1 की वैल्यू 6 है तो 6 V1 और प्लस M2 की वैल्यू 4 V2. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन. और दूसरी इक्वेशन आप ये लगाएंगे रिलेटिव स्पीड वाली, एनर्जी वाली भी लगा सकते हो, लेकिन देखो होता क्या है कि एनर्जी वाली इक्वेशन में स्क्वायर आता है, तो स्क्वायर वाली इक्वेशन सॉल्व करने से ज्यादा अच्छा होता है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, मतलब क्वाड्रेटिक से ज्यादा बेटर लीनियर इक्वेशन है. तो हम ये लगा देंगे रिलेटिव स्पीड जस्ट आफ्टर कोलिजन अपॉन रिलेटिव स्पीड जस्ट बिफोर कोलिजन इक्वल टू ई, और क्योंकि ये कोलिजन इलास्टिक है तो ई की वैल्यू को 1 कर देंगे, यानी कि दोनों रिलेटिव स्पीड को इक्वल कर दो रिलेटिव स्पीड की वैल्यू. तो यहाँ पर क्वेश्चन करने के लिए क्या कर सकते हो आप, रिलेटिव स्पीड कंपेयर कर दें. तो कोलिजन के बाद वाले रिलेटिव स्पीड में ऑब्वियसली V2 फास्ट होगा, तो V2 - V1 फास्टर माइनस स्लोअर, फास्ट माइनस स्लो इक्वल टू कोलिजन से पहले U1 ज्यादा है, तो आप यहां पर U1 - U2 यानी कि 10 - 5. आगे बहुत सिंपल मैथ्स है यार, अपना देखो कितना आंसर आएगा. कर लेंगे इसको भी ना बिलाल? यस सर. ठीक है, ठीक है. इलास्टिक कोलिजन के 3 स्पेशल केसेस होते हैं. देखो आपको ये बता दें इलास्टिक कोलिजन के 3 स्पेशल केसेस कौन कौन से हैं वो देख लो एक बार. एक पेज थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, हेडिंग थोड़ा सा हाइड कर रहे हैं, स्पेशल केसेस इन द इलास्टिक कोलिजन को हाइड कर लेते हैं. देखिए जी कौन कौन से हैं. पहला आप पढ़ते हो कि जब इक्वल मासेस होते हैं तो इक्वल मासेस के टाइम पर की थ्योरी है ना. अगर इक्वल मास हो, कोलिजन इलास्टिक होता है, तो ये कहा जाता है कि जो वेलोसिटीज होती हैं वो आपस में एक्सचेंज कर जाती हैं, मतलब कि कोलिजन से पहले. इसीलिए ऑब्जेक्ट को डिफरेंट कलर से दिखाया गया है. ब्लू कलर के ऑब्जेक्ट में जो ये ब्लू वाला ऑब्जेक्ट है उसके पास U1 स्पीड है और रेड वाले ऑब्जेक्ट के पास U2, और दोनों के M और M सेम है, मासेस बराबर हैं इनके, तो एक्सचेंज हो जाएगा. एक्सचेंज का मतलब ये होगा कि ब्लू वाली बॉल U2 वेलोसिटी पर चली जाएगी और रेड वाली बॉल U1 वेलोसिटी पर आ जाएगी जस्ट आफ्टर द कोलिजन.
याद रखेंगे इसको, मतलब ये प्रॉपर्टी यूज होती है एक्चुअली, कई कई बार क्वेश्चंस में ना डायरेक्टली यूज करना होता है हमें. यस, इलास्टिक और वन डायमेंशन हुआ तो एक्सचेंज कर देना है वेलोसिटी की, मतलब कि रेड वाले की वेलोसिटी ब्लू वाले के पास चली गई और ब्लू वाले की वेलोसिटी रेड वाले के पास आ गई कोलिजन के बाद. बट इसकी कंडीशंस हैं, एक तो इलास्टिक होना चाहिए, वन डायमेंशन होना चाहिए और इक्वल मास होने चाहिए वहां पर. दूसरे ये केसेस आते हैं कि बहुत ज्यादा हैवी बॉडी बहुत ज्यादा लाइट बॉडी से कोलाइड कर जाए. वेरी हैवी ऑब्जेक्ट कोलाइड्स हेड ऑन विथ अ वेरी लाइट वन इनिशियली एट रेस्ट. बहुत हल्की बॉडी और बहुत भारी बॉडी, एम वन बहुत ज्यादा है एम टू के कंपेयर में, अगर ये आपस में कोलाइड हुए तो ये प्रैक्टिकली सोच के देखो ना यार, एक बहुत ज्यादा भारी बॉडी अगर किसी बहुत हल्की बॉडी से कोलाइड करेगी तो एम वन पर कितना फर्क आएगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ एम वन पर कितना ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे अगर एम वन बहुत ज्यादा मास की बॉडी है और एम टू बहुत कम मास की बॉडी है. तो नेचुरल से बात है कि जो हैवियर ऑब्जेक्ट होगा, मतलब बहुत भारी ट्रक टाइप की चीज, अब अगर एक ट्रक और एक बॉल में कोलिजन हो जाए, क्रिकेट की बॉल और ट्रक के बीच में कोलिजन हो जाए, मतलब आप बॉल फेंक दो ट्रक के ऊपर, तो ट्रक में कितनी वेलोसिटी आ जाएगी भाई आपको एक बॉल मारने से ट्रक के अंदर वेलोसिटी प्रैक्टिकली? जीरो. तो ये जो हैवियर बॉडी को आप क्या करेंगे, जो हैवियर बॉडी है इसमें लगभग कोई फर्क नहीं आएगा, लगभग. यानी कि m1 की वेलोसिटी जिसको हम v1 कह रहे हैं ना, v1 ये अप्रोक्सीमेटली u के बराबर ही रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा. हाँ, लेकिन जो लाइट बॉडी है m2 लाइट बॉडी है, तो नेचुरल सी बात है लाइट बॉडी पे तो अच्छा खासा इम्पैक्ट आएगा. तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, रिलेटिव स्पीड वाले कंसेप्ट से. रिलेटिव स्पीड वाले कंसेप्ट के हिसाब से क्या करेंगे, वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू इनिशियली यू वन माइनस यू टू. कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड को बराबर कर दो आप, और वी वन अप्रोक्सीमेटली यू है, वी वन अप्रोक्सीमेटली यू है, तो ये लगभग यू के बराबर है. इसका मतलब वी टू की वैल्यू लगभग ऑलमोस्ट टू टाइम्स ऑफ यू, ऑलमोस्ट. तो यही चीज कही जा रही है कि हैवी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इट्स मोशन, हैवी ऑब्जेक्ट कंटिन्यू कर जाएगा इट्स मोशन अनअल्टर्ड, कोई फर्क नहीं आएगा. बट द लाइट ऑब्जेक्ट रिबाउंड्स विथ अ स्पीड इक्वल टू अबाउट ट्वाइस द इनिशियल स्पीड ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट, लगभग उसकी डबल स्पीड पर चलेगा वो, लगभग. और उल्टा हो जाए, लाइट बॉडी हैवी बॉडी से कोलाइड करे आकर के, मतलब हैवी वाली रेस्ट पे है और लाइट वाली चल रही हो, लाइटर बॉडी मूव कर रही है और हैवियर बॉडी रेस्ट पे है, उल्टा हो गया. वेरी लाइट ऑब्जेक्ट कोलाइड्स हेड ऑन विद अ वेरी हैवी ऑब्जेक्ट इनिशियली एट रेस्ट. तो इसमें भी वही होगा, हैवी ऑब्जेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हैवी ऑब्जेक्ट जो V2 है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, V2 ऑलमोस्ट जीरो रहेगा. और V1 कितना होगा, तो फिर से आप रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगाओ, रिलेटिव स्पीड कंसेप्ट यहाँ लगाओ. रिलेटिव स्पीड कंसेप्ट के हिसाब से क्या लिखेंगे कि v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u, बट v2 लगभग जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो है. दैट मीन्स कि v1 की वैल्यू माइनस टाइम्स u के बराबर आएगी. अब इस माइनस का क्या मतलब है यहाँ पर, सिग्निफिकेंस ऑफ दिस माइनस साइन, नेगेटिव डायरेक्शन, रिवर्स हो गए. वही लिखा गया है कि लाइट ऑब्जेक्ट इज रिवर्स एंड उतनी ही स्पीड पर चलेगा. ठीक है, तो ये दो बेसिक क्वेश्चन थे, मतलब बेसिक प्रॉपर्टीज है, कुछ न्यूमेरिकल्स में इनका यूज करेंगे. अभी एक और क्विज है आगे बढ़ने से पहले, ये बताओ, टेबल टेनिस बॉल इज थ्रोन एट स्टेशनरी बॉलिंग बॉल. हाँ, इसकी भी अच्छा क्वेश्चन है. टेबल टेनिस की जो बॉल होती है और एक स्टेशनरी बॉलिंग बॉल, बॉलिंग बॉल समझते हो कौन सी होती है, अली मतलब आपको बता दें, ये काफी है. Yes, sir. ये काफी हैवी है और टेबल टेनिस बहुत लाइट होती है, बहुत हल्की होती है टेबल टेनिस वाली बॉल. टेबल टेनिस वो प्लास्टिक की होती है, फूंक मार दो तो वैसी चली जाती है. तो लाइट और हैवी बॉडी की बात हो रही है. अब बताओ क्या रिजल्ट आएगा यार, टेबल टेनिस बॉल मेक्स वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन एंड बाउंसेस बैक अलोंग द सेम लाइन कंपेयर्ड विद द बॉलिंग बॉल आफ्टर द कोलिजन, डज द टेबल टेनिस बॉल हैव. अब बताओ ऑप्शन बताना कौन सा आएगा, पढ़ के बताओ आप अपने हिसाब से. लास्ट. ओके, सोच लीजिए आराम से, टाइम ले लो अपना, है ना.
जल्दी बाजी मत करो, मैं फिर बोल रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छा भाई, मैं आंसर नहीं डिस्क्लोज कर रहा अभी, मैं फिर बोलूंगा जल्दी बाजी मत किया करो, मेरी एक बात समझो, न्यूमेरिकल करना इजी है, न्यूमेरिकल फिजिक्स में आसान होते हैं, यही टफ होते हैं, क्योंकि ये ऑप्शंस कंफ्यूजिंग होते हैं। मैं फिर बताऊं न्यूमेरिकल में क्या होता है, आप ऑब्जेक्टिव पेपर देने जाओगे तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका जो आंसर आ रहा है उसके मिलते जुलते कई सारे ऑप्शन हो न्यूमेरिकल में, तो बड़े आसान होता है अपने ऑप्शन को चेक कर लेना। लेकिन इनमें क्या होता है ना, हर एक स्टेटमेंट सही लगता है मेरे को, अगर प्रिपरेशन सही नहीं है तो मुझे लगता है ए भी सही है, फिर लगता है यार बी भी सही कह रहा है, फिर सी भी सही लगता है, कन्फ्यूज हो जाते हैं हम लोग। तो आप इसमें आराम से ना टाइम लो, डिस्कस करना है, जल्दीबाजी मत करिए आप, ये जो क्विज होती है ना ये डिस्कशन के लिए होती है, तो आप इसको ट्राई करिए। बच्चा मैं नहीं बताऊंगा अभी, रुक जाओ, मैं अभी, हो सकता है ए हो अभी, बट ये है इसी कंसेप्ट के ऊपर जो पिछला डिस्कस हुआ अभी यहाँ पर, देखो ना पिछला, लेकिन पूरी क्लास का आप खुद ही क्लास का रिस्पॉन्स देखो, जहाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है वहां सन्नाटा आ जाता है, डर लगता है अंदर से, डर लगता है, मतलब वो नहीं होता है आपको, कॉन्फिडेंस का थोड़ी सी कम हो जाती है। तो आप इसको ट्राई करो एंड डिस्कस करना इसको अगली क्लास तक, पता नहीं क्या होगा, मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ इसको करने के लिए। नेक्स्ट पे आओ, ये अभी हमने डिस्कस कर दिया है तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, मतलब पार्शियली इलास्टिक, पार्शियली इन इलास्टिक, ये रूल अभी पहले ही बता दिया आपको, न्यूटन लॉ ऑफ कोलिजन ऑलरेडी डिस्कस्ड है, ठीक है। तो आगे बढ़ रहे, ये क्वेश्चन है, देखो क्या करेंगे यार, इसमें बताओ, पढ़ लेते हैं ये ना, ये एक्चुअली 10^4 है, ये जो 4 बड़ा सा देख रहे हो ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ये 10^4 है। तो रेल रोड कार ऑफ मास इतना इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ इतना, इट कोलाइड्स एंड कपल्स विद 3 अदर कपल्ड रेल रोड कार, क्या मतलब हुआ इसका, कपल्स का मतलब कपलिंग हो गई, मतलब एक एक, तो कपलिंग किस टाइप का कोलिजन होता है यार, कपलिंग मतलब ये इलास्टिक कोलिजन होगा या इनइलास्टिक कोलिजन हुआ, इनइलास्टिक, इनइलास्टिक हो गया, और लिखा भी है हालांकि इसमें, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ईच ऑफ द सेम मास एज द सिंगल कार एंड मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द इनिशियल स्पीड ऑफ 2 m/s, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ 4 कार्स आफ्टर द कोलिजन, कैसे निकालेंगे पहला क्वेश्चन, मतलब अगर इसको वैसे आप फिगर वाइज समझना चाहते हैं तो आप ऐसे मान लो कि एक m मास की बॉडी u वेलोसिटी से चल रही है और बाकी ऐसे करके 3 बॉडीज आपस में जुड़ी हुई है m मास की, 3 बॉडीज, और ये तीनों चल रही हैं 2 m/s से, और ये चल रही है 4 m/s से, और ये आपस में कोलाइड करके एक सिंगल बॉडी बन जाते हैं, ये कोलाइड करके एक सिंगल बॉडी बन जाती है 4m मास की, तो कितनी वेलोसिटी से ये चल रहा होगा, ये क्वेश्चन है, तो निकाल सकते हैं मोमेंटम कंजर्व, हाँ मोमेंटम कंजर्व कर लो, मतलब कोलिजन से पहले वाला मोमेंटम और कोलिजन के बाद वाला मोमेंटम, तो कोलिजन के पहले वाला m into u और प्लस ये टोटल 3m मास होगा जिसकी वेलोसिटी, इसको u डैश डिनोट कर देते हैं, तो 3m u डैश, और बाद में ये टोटल 4m मास हो गया जिसके पास v वेलोसिटी आएगी, तो u डैश की वैल्यू 2 रख दीजिए, u की वैल्यू 4 रख दो आप, v की वैल्यू निकाल दो कितना आएगा, और हाउ मच मैकेनिकल एनर्जी इज लॉस्ट इन द कोलिजन, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर निकालते हैं कितना था, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर में 1/2 एक m into u square, और बाकी की ये 3m masses जो हैं वो 2 m/s पे चल रहे हैं, तो 1/2 × 3m mass, और उसको u dash symbols के फॉर्म में लिख रहा हूँ, न्यूमेरिकल आप अपने आप कर लेना, और काइनेटिक एनर्जी बाद वाली जो आ रही है उसमें ये टोटल 4m mass हो गया जिसके पास v velocity है उसका स्क्वायर, और यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकालोगे, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बिफोर माइनस काइनेटिक एनर्जी आफ्टर, ठीक है जी। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, ये करना जरा क्या आएगा देखो, इसको या तो आप एक काम करना है, इसको ना आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए छोड़ दे रहे हैं, एक क्वेश्चन आप अपनी तरफ करना, फिर नेक्स्ट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, ये भी 10^4 है, यहाँ बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर, ये जो लाइन है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट हो रहा है यहाँ पर,
4 railroads car each of similar masses are coupled together and coasting along the horizontal track at the speed vi towards the south. है ना, मतलब अगर आप इसको पिक्चर फॉर्म में देखना चाहते हो तो पिक्चर फॉर्म में कुछ ये होगा. आप ऐसे मान सकते हो कि चार बॉडीज हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, चारों आपस में जुड़े हुए, जैसे ट्रेन के डब्बे होते हैं वैसे ही ये भी है. तो ये चारों डब्बे आपस में जुड़े हैं, mm मास के सब हैं, और ये सब एक कॉमन वेलोसिटी से चल रहे हैं. ठीक है, ये सब एक कॉमन वेलोसिटी से चल रहे हैं. और यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सेकंड वाला डब्बा है ना, इसके ऊपर कोई एक्टर है, कोई मूवी का सीन चल रहा है, ये कोई यहाँ पर कोई एक्टर है. अब उस एक्टर ने कुछ बेवकूफ़ी कर दी यहाँ पर, और क्या बेवकूफ़ी करी है वो दिखाया आपको. वो स्ट्रांग तो है बट फुलिश मूवी एक्टर है, तो उसने क्या काम किया है, अनकपल्स द फ्रंट कार एंड गिव्स इट अ बिग पुश इंक्रीजिंग टू द स्पीड ऑफ 4. समझ गए कहानी क्या हुई है इसमें? Yes, sir. Yes, sir. एक्टर ने क्या काम कर दिया यहाँ पर, मतलब क्या बेवकूफी करी उसने यहाँ पर. अगर आप नंबरिंग करें, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 4 है, तो काम क्या किया क्वेश्चन के हिसाब से उसने? अनकपल्स द फ्रंट कार का मतलब क्या किया? ये वही बात हो गई कि कोई जा करके ट्रेन और इंजन के बीच की कपलिंग खोल दे, इंजन को अलग कर दो, है ना. गदर मूवी देख लो, उसमें ये काम हुआ है. क्या करेंगे यार, अगर वन वाले को अलग कर दें, अगर वन को अलग कर दें और बाकी तीनों को पीछे रख दें, और अलग ही नहीं किया है, कपलिंग तोड़ी नहीं है. कपलिंग तोड़ने के बाद एक और काम किया उसने, इंक्रीजेस द स्पीड. हाँ, मतलब उसने क्या किया, बेवकूफी देखो उसकी पहले. तो मतलब ये तीनों यहाँ पर थे, एक्टर भी यहीं पर है अभी. एक तो उसने कपलिंग तोड़ दी, मतलब एक बॉडी को अलग कर दिया उससे, और उसके बाद इसको पुश भी किया, मतलब धक्का भी मार दिया, और धक्का मारने के बाद ये 4 मीटर पर सेकंड पे लेके जा रहा है. और बाकी के तीन अब कितने पे चल रहे हैं, बाकी के तीन, तो रिमेनिंग 3 कार्स कंटिन्यू मूविंग साउथ नाउ एट 2 मीटर पर सेकंड. तो अब आपको ने इनिशियल स्पीड पूछी गई है, मोमेंटम कंजर्व होगा इसमें? Yes, sir. लेकिन इसने तो बॉडी को ने पुश किया था ना यार, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ देखो ना, राइट. मतलब वो एक्टर और ये चारों सब मिला करके सिस्टम मान ले तो एक दूसरे को धक्का दे रहे, वो सब इंटरनल कहानी है, बाहर से कुछ नहीं हो रहा है इसमें. तो आप मोमेंटम कंजर्व कराओ, मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल बी कांस्टेंट. तो इनिशियली ये 4m मास है vi स्पीड पर, तो 4m इनटू vi. बाद में ये 3m मास 2 वेलोसिटी पे चल रहा, तो 3m मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी 2, और एक मास 4 वेलोसिटी पे चल रहा है, m into 4. तो इनिशियल वेलोसिटी मेरे ख्याल से 2.5 मीटर पर सेकंड आ गई. अब इसने ये पूछा हाउ मच वर्क डिड द एक्टर डू, काम क्या किया उसने, कितना वर्क किया उसने, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. हाँ जी, अब देखो समझ आ रहा है ना, हाउ मच वर्क डिड द एक्टर डू. तो एक्टर ने पहले, हाँ, एक्टर ने वर्क किया क्या पहले, तो आप ये सोचो काम क्या किया उसने. उसने तो धक्का मारा, उसने फ्रंट कार को पुश किया था, और फ्रंट कार को पुश करके इनिशियल स्पीड 2.5 से 4 कर दिया. मतलब कोई चीज 2.5 मीटर पर सेकंड पे चल रही थी, उसको 4 मीटर पर सेकंड पे ले आए. तो वर्क क्या किया, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी. किसका चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ वन वाले का लेना है आपको. तो वो जाएगा हाफ. अब इसमें जानते हो, वैसे तो आपको ये आसान लगेगा, मैं फिर बता रहा हूँ, हाफ एम फाइनल वेलोसिटी 4 का स्क्वायर और इनिशियल वेलोसिटी 2.5 का स्क्वायर. आपको सुनने में ये क्वेश्चन आसान लगते हैं, लेकिन ये है बड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस. कैसे, अभी किसी ने पूछा था, एक डाउट पूछा था, ये बताओ एक्टर ने जो फोर्स लगाया उसकी वजह से क्या मोमेंटम चेंज हो गया? नो सर. क्या आर्ग्यूमेंट दिया आपने, आर्ग्यूमेंट क्या दिया आपने? Internal. लेकिन अच्छा, और एक्टर ने जो पुश किया उसकी वजह से क्या काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई? Yes, एक बार बताओ, देखो क्या, एक चेक करो ना पहले कितनी काइनेटिक एनर्जी है. काइनेटिक एनर्जी पहले वाली चेक करो, तो पहले ये 4m मास है, ठीक है, सबका मास भी दे रखा है 2.5 × 10⁴. फिलहाल तो हम इसको हाफ 4m और वेलोसिटी 2.5 यानी 5/2 लग देते हैं उसका, इसका स्क्वायर.
और बाद वाली एनर्जी चेक करना है टोटल एनर्जी. तो हाफ 3m मास 2 वेलोसिटी पे चल रहा है और बाकी का m मास 4 वेलोसिटी पे चल रहा है. अब आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि कौन सी एनर्जी ज्यादा आ रही है टोटल. मतलब आप इसको अगर पूरा सिंप्लीफाई करके देखो तो मैं m बाई 2 कॉमन कर देता हूँ, बाकी सब चीजें को अंदर रखूंगा. m बाई 2 कॉमन कर लेंगे तो ये 4 और ये 25 अपॉन 4 यानी कि कुल मिलाकर के 25 आ जाएगा यहाँ पर. और यहाँ से m बाई 2 कॉमन कर लेंगे हाँ तो ये हाँ 4 इंटू 3 ये हो जाएगा 12 और प्लस 16 28. फाइनल एनर्जी ज्यादा नहीं आ रही है? यस सर. काइनेटिक एनर्जी बढ़ भी तो गई, किसकी वजह से बढ़ी? हाँ मस्कुलर तो हुआ, लेकिन आपका कंसेप्ट देखो ना कैसे ये छोटे एग्जांपल्स बड़े कंसेप्ट डेवलप करते हैं. इसका मतलब क्या इंटरनल फोर्सेस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा नहीं सकते? यस सर बस यस इसका. हाँ अभी आप लोगों ने पूछा था ना कि सर, किसी ने डाउट पूछा था कि सर एनर्जी और मोमेंटम को क्लियर नहीं होता, तो यही मैं बार बार समझाना चाह रहा हूँ कि मोमेंटम कंजर्व होने की सिर्फ एक कंडीशन है कि बाहर से फोर्स ना लगे. लेकिन काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करने से पहले कई बार सोचना पड़ता है हमें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई और एनर्जी काइनेटिक में ट्रांसफर हो रही हो. एक्टर ने जब पुश किया होगा तो उसके बॉडी की मस्कुलर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. यानी कि मोमेंटम कंजर्व होने के साथ साथ ये कोई जरूरी नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो. ऐसा हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस कर जाए, ये भी हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहे, और ये भी हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाए. सब कुछ पॉसिबल है. इसको अदरवाइज आप ऐसे भी कह सकते हो कि कैन, और ये जेई का आया हुआ क्वेश्चन भी है, कैन इंटरनल फोर्सेस चेंज द मोमेंटम ऑफ सिस्टम? नो सर. नो नो. कैन इंटरनल फोर्सेस चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम? यस. तो इसलिए मेरे ये एग्जांपल को ध्यान देना. मैं एग्जांपल जो है ना वो देखने में लगता है कि यार छोटा एग्जांपल है, लेकिन मैं वही एग्जांपल सेलेक्ट करता हूँ जिसमें कुछ ना कुछ लर्निंग हो आपके लिए, और ऐसी लर्निंग हो जिससे डाउट रिमूवल हो जाए मेरा. नेक्स्ट पे आते हैं. सर बताए सर, इस वाले में नीचे जो डायग्राम है उसमें जो 3m मास जो 3 बच गई उनका उनकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो गई, उनके में डिक्रीज आ गया वेलोसिटी में. तो एक तो उसमें हाँ ठीक है बोलो बोलो. उसमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ले लेंगे? नहीं देखो बच्चा, लॉस और गेन इंडिविजुअल नहीं देखेंगे. 3m का तो लॉस हो रहा है लेकिन 1m का गेन हो रहा है. आप जब ये लॉस और गेन की बात करते हो तो पूरे सिस्टम की बात करते हो कि मिला करके क्या हुआ है. सिस्टम देखिए, मोमेंटम भी हम एक एक करके थोड़ी कंजर्व कराते हैं, चारों को कंबाइंड करके देखेंगे. हाँ ये भी आपने एक जेन्युइन पॉइंट रेज कर दिया. ये हो सकता है कि सिस्टम में कुछ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही हो, कुछ की गेन हो रही हो, और ओवरऑल गेन हो रहा हो. ये तो हो सकता है. क्लियर है पॉइंट की नहीं रखता? यस. चलिए जी आगे देखते हैं. अब ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर. अब ये हम कुछ क्वेश्चंस आपको कराने जा रहे हैं जो स्टार्टिंग में हमने आपको थ्योरी पढ़ाई थी, इम्पल्स अप्रोक्सीमेशन वाली, ये वाली थ्योरी. कि कई बार हम न्यूमेरिकल करते वक्त ना इम्पल्स अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, और इम्पल्स अप्रोक्सीमेशन ये था कि कोलिजन के वक्त हम कुछ फोर्सेस को इग्नोर करने जा रहे हैं. तो ये इसके ऊपर कंसेप्ट है देखो आपका, इम्पल्स अप्रोक्सीमेशन के ऊपर. अब इसमें क्या है ना कि ये कैपिटल एम मास की ब्लॉक हैंग कर रही है स्ट्रिंग से. तो कैपिटल एम स्ट्रिंग से हैंग कर रहा है, रेस्ट पर है, और ये एक छोटे एम मास की बुलेट वी स्पीड से कैपिटल एम के अंदर जाती है और उससे बाहर निकलती है वी बाई टू स्पीड से. तो अब ये बताओ यहां पर ग्रेविटी होगा, नीचे की तरफ ग्रेविटी भी लग रहा होगा, ऊपर की तरफ टेंशन भी लग रहा होगा, लेकिन बुलेट और बॉल का इंटरेक्शन कितनी देर के लिए होगा? बहुत छोटे टाइम के लिए है ना. बुलेट 500 मीटर पर सेकंड पे चलती है, 400 मीटर पर सेकंड पे चलती है बुलेट. तो एक बुलेट एक बॉल को क्रॉस करने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लेगी, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स. उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में अभी जैसे बच्चे ने बोला, सही बोला, कि
ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस फिनोमेना है, लगभग जीरो टाइम लगता है, और ऐसे में ग्रेविटी और स्ट्रिंग को इग्नोर करो इंपल्स अप्रोक्सीमेशन में। तो यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, इंपल्स वाला अप्रोक्सीमेशन वाला रूल लगाने जा रहे हैं कि इंपल्स अप्रोक्सीमेशन में क्या करेंगे, हम टेंशन और एमजी को इग्नोर कर रहे हैं यहां पर। परमानेंटली इग्नोर नहीं करना है, परमानेंट इग्नोर की बात नहीं कर रहा हूं कि हमेशा के लिए इग्नोर कर दो आप, नहीं, इग्नोर्ड कितनी देर के लिए, कौन से पीरियड के लिए इग्नोर करने की बात की जा रही है, हमेशा के लिए इग्नोर नहीं कर रहा हूं मैं। इग्नोर्ड, हाँ, इग्नोर्ड ड्यूरिंग कोलिजन प्रोसेस ओनली। ये नहीं कि आप हमेशा के लिए ग्रेविटी को छोड़ दो कि अब आगे हम जिंदगी में कभी ग्रेविटी लेंगे ही नहीं, वो चीज नहीं कही जा रही आपसे। तो मोमेंटम कंजर्व होगा इसमें, क्योंकि जब टेंशन एमजी हट गया उसके अलावा कोई फोर्स है ही नहीं यहाँ पर। सो आप यहाँ पर लीनियर मोमेंटम पी को कंजर्व कराओ, और कंजर्व करके ये निकाल सकते हो कि ये जो कैपिटल एम मास की बॉडी थी वो ओरिजिनली रेस्ट पे थी, कैपिटल एम की बॉडी ओरिजिनली रेस्ट पे है, और ये जो बुलेट वाली बॉडी है ये हमारी वी स्पीड पे चल रही थी। उसके बाद क्या हुआ, जब कोलिजन खत्म हो गया तो क्या हुआ, कोलिजन खत्म होने के बाद कैपिटल एम और ये बुलेट इससे बाहर निकल गए, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से बुलेट की वेलोसिटी वी बाई टू हो गई, और एम की वेलोसिटी कुछ हम वी डैश मान लेते हैं, वी डैश हो गई। तो मोमेंटम कंजर्व कराएंगे, तो एम इंटू वी स्टार्टिंग वाला मोमेंटम बराबर बाद में कैपिटल एम वी डैश और प्लस स्मॉल एम वी बाय टू, इससे वी डैश की वैल्यू निकाल देते हैं। तो वी डैश की वैल्यू निकालेंगे क्या, वो बेसिकली ये आ जाएगी एम इंटू वी डिवाइडेड बाई टू टाइम्स ऑफ कैपिटल एम। अच्छा, क्वेश्चन में ध्यान देना, यहाँ पर रॉड कह रहे हैं, स्ट्रिंग नहीं है ये, रॉड है यहाँ लिखा है, स्टिफ रॉड, नॉट अ स्ट्रिंग। और कह रहे हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ वी सच दैट द पेंडुलम बॉब विल बेयरली स्विंग थ्रू अ कंप्लीट सर्किल। क्या होना चाहिए यार, ये वी डैश की वैल्यू 4g, हां आप देख रहे हो 4g इफेक्टिव, हां जी इफेक्टिव की यहां कोई जरूरत नहीं है, यहां कोई जरूरत नहीं है, यानी ये जो वी डैश होना चाहिए ना, इसकी वैल्यू इस स्टेटमेंट के पॉइंट से विल बेयरली स्विंग थ्रू अ कंप्लीट सर्किल, इस स्टेटमेंट के बिहाव पर आप कह रहे हो कि वी डैश की वैल्यू रूट ऑफ 4gl। अब इसको सिंप्लीफाई करके v निकाल लो कितना है, सो v की वैल्यू बन जाएगी 2 कैपिटल m डिवाइडेड बाय स्मॉल m इनटू रूट ऑफ 4gl। तो ग्रेजुअली अब कॉन्सेप्ट्स की मिक्सिंग भी करेंगे, कि फंडामेंटल समझ लिया, काफी टाइम लग गया उसको समझने में, बट धीरे धीरे अब लेवल बढ़ेगा। नेक्स्ट पे आओ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्योंकि इसके अंदर भी डाउट आते हैं माइंड में, काफी डाउट आते हैं। और अभी रिसेंटली मुझे किसी ने एक डाउट पोस्ट भी किया था, ऐसा सिमिलर डाउट पोस्ट किया था, तो मैंने होल्ड कर दिया था कि मैंने कहा क्लास में ही डिस्कस करेंगे इसको भी। देखिए इसमें ए बी सी तीन ब्लॉक्स हैं, ठीक है, ब्लॉक ए मूव कर रहा है जबकि बी और सी ओरिजिनली रेस्ट पे हैं, मतलब बी भी रेस्ट पे है अभी और सी भी रेस्ट पे, ये दोनों ब्लॉक्स रेस्ट पे हैं। बी और सी के बीच में फ्रिक्शन है, बी और सी ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, ग्राउंड पर फ्रिक्शन नहीं है, और कोलिजन ए और बी के बीच में होनी है, कोलिजन, जो कोलिजन है वो बिटवीन द ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी है, मतलब सी वाले को हम टच नहीं करेंगे, ठीक है। और एक और मैं चीज क्लियर कर दूं आपको, देखो मैं एक बात क्लियर कर दूं पहले, तो ये यहां पर क्या हो रहा है, जहां पर बी एंड सी रखे हैं ना, उसके आगे वाला फ्लोर स्मूथ है, उसके आगे वाला फ्लोर स्मूथ है, लेकिन उसके पहले वाला फ्लोर रफ है, यहां तक का पोर्शन रफ है आपका। ये कोफिशियंट हमारा म्यू वन है, दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोफिशियंट म्यू टू है, और ये डिस्टेंस हमको दी गई है एल के बराबर, और ये यू वेलोसिटी है। प्रॉब्लम को एनालाइज करना है पूरी तरीके से, मतलब फाइनली क्या होगा ये बताना है, अल्टीमेटली क्या क्या वेलोसिटी जाएंगे जब सब कुछ खत्म हो चुका होगा। पहली बात, नंबर वन, आप कोलिजन के जस्ट पहले वाली वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी। सबसे पहली, ब्लॉक ए अभी बहुत दूर है, ब्लॉक ए अभी ब्लॉक बी से काफी दूर है, तो ये जो यू है ये जस्ट बिफोर कोलिजन की तो वेलोसिटी है नहीं, कोलिजन के जस्ट पहले वाली वेलोसिटी नहीं है ये, तो कोलिजन होने से कुछ देर तक, मतलब कोलिजन से काफी टाइम पहले की वेलोसिटी है, कोलिजन से काफी टाइम पहले। तो पहला स्टेप तो ये होगा कि पहले आप ये कैलकुलेट करो कि ब्लॉक ए में कितनी वेलोसिटी होगी जब वो ब्लॉक बी से कोलाइड करने वाला होगा, उस टाइम पर क्या वेलोसिटी होगी। फ्रिक्शन का वर्क डन, हाँ वो निकाल सकते हैं ना, मतलब
यही मैं पॉइंट कह रहा था कि कोलिजन के न्यूमेरिकल्स में जल्दीबाजी में आप मोमेंटम वगैरह कंजर्व करने से पहले ये सब ध्यान देना होता है कि आप कौन सा वेलोसिटी यूज कर रहे हो. ऐसा तो नहीं है कि काफी देर पहले की वेलोसिटी ले ली हमने. नहीं, जब बॉडी कोलाइड होने वाली है उससे थोड़ी देर पहले, उससे जस्ट पहले की वेलोसिटीज को हम यूज करेंगे यहाँ पर. तो ट्राई करते हैं इसको देखो समझाने के लिए आपको. ठीक है जी, थोड़ा सा कोशिश करेंगे इसको जल्दी से समझाएं. तो थोड़ी सी फिगर्स कॉपी कर लें यार एक बार. चलिए कोई नहीं यार, ये फिगर में बड़ा टाइम लगता है पहले से न बनने को. एनीवे तब तक आप ये ट्राई करके बताओ क्या बनेगा यार आंसर. कितनी वेलोसिटी आएगी ब्लॉक की, मतलब पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि कोलिजन से जस्ट पहले ब्लॉक ए के पास क्या वेलोसिटी होगी, पहले ये कैलकुलेट करेंगे. तो इसको हम कह रहे हैं कि दिस इज जस्ट बिफोर कोलिजन, दिस इज लॉन्ग टाइम बिफोर कोलिजन. इससे कोई मतलब नहीं आपका, लॉन्ग टाइम बिफोर कोलिजन से कोई मतलब नहीं. तो पहले इसको सॉल्व करेंगे. तो आप पहले तो आप ये निकालो कि ब्लॉक ए के पास यहाँ पर क्या वेलोसिटी आएगी. इसको वी ए लिख दे रहे हैं, वी ए, ये सी और बी. तो ये निकालने के लिए ना आप बेसिक्स लगाओगे कि फ्रिक्शन की वजह से वेलोसिटी कम हो जाएगी. तो फ्रिक्शन इस पे लग रहा होगा पीछे की तरफ म्यू इंटू नॉर्मल का, उसकी वजह से रिटार्डेशन आएगी और एल डिस्टेंस कवर करना है इसको. तो ये पोर्शन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यार यहाँ पर. इस पोर्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी म्यू इंटू नॉर्मल एम जी डिवाइडेड बाई एम, और यहाँ म्यू वन एम एम कैंसिल, म्यू वन जी का एक्सेलरेशन आएगा. इनिशियल वेलोसिटी यू है, डिस्प्लेसमेंट एल है, वी ए निकालना है. थर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हो, वी ए स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू म्यू वन जी इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो वी ए की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के ऐड किया है सिर्फ ये रिमाइंड करने के लिए कि जस्ट बिफोर कोलिजन पे ही जाना है आपको. उसके बाद अब ये बताओ, जब ए और बी आपस में कोलाइड होंगे, ए और बी आपस में कोलाइड करेंगे और ब्लॉक सी और ब्लॉक बी के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें या फ्रिक्शन को कंसीडर कर लें. ये फिर एक बार इंपल्स अप्रोक्सीमेशन आएगी फिर से. तो अगर हम अपना कोलिजन इंटरवल, अगर हम अपना टाइम बहुत छोटा रखते हैं, हम कोलिजन के जस्ट पहले की बात कर रहे हैं और कोलिजन के जस्ट बाद की बात करेंगे. कोलिजन के जस्ट बाद, बहुत लंबे टाइम बाद नहीं, मतलब कोलिजन हुआ और उसके तुरंत बाद की बात करिए. तुरंत बाद क्या हुआ, तो देखो सिचुएशन क्या बनेगी यार. जस्ट आफ्टर कोलिजन ब्लॉक ए, ब्लॉक बी एंड ब्लॉक सी, यही स्टेटमेंट मैंने लिखा था कि जब आप जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर की बात करते हो ना, तो ये बहुत ही छोटा टाइम होता है, बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है ये. ऐसे में ए और बी आपस में जो फोर्स लगा रहे हैं उनके सामने बाकी सारी फोर्सेस नेग्लेक्ट हो जाएंगी, यानी नॉर्मल नेग्लेक्ट हो गया, फ्रिक्शन नेग्लेक्ट हो गया, ग्रेविटी नेग्लेक्ट हो गई. इस छोटे से पीरियड में, इस छोटे से पीरियड में आप ब्लॉक बी और ब्लॉक सी के बीच के फ्रिक्शन को इग्नोर कर सकते हो और हम ये मानेंगे कि कोलिजन हो गया और ब्लॉक बी की वेलोसिटी यहां पर v2 आ गई और ब्लॉक ए की वेलोसिटी v1 आ गई जस्ट आफ्टर कोलिजन. एंड ब्लॉक सी अभी भी जीरो वेलोसिटी पर रहेगा, स्टिल ये 0 मीटर पर सेकंड पे रहेगा. अभी पहले भी जीरो था, अभी भी जीरो था. रीजन कि ब्लॉक ए ने तो बी को हिट किया है, तो ए और बी आपस में कोलाइड हुए तो इनकी फोर्स आएगी और यहां पर फ्रिक्शन को हमने इस छोटे इंटरवल पर इग्नोर किया है. तो जब फ्रिक्शन लगा ही नहीं ब्लॉक सी के ऊपर, तो ब्लॉक सी के अंदर कोई फोर्स ही नहीं डेवलप होगी. बिना किसी फोर्स के ब्लॉक सी अपनी वेलोसिटी को चेंज करेगा ही नहीं, अगेन छोटे इंटरवल के लिए. ऐसा नहीं है कि ब्लॉक सी चलेगा नहीं कभी, ऐसा नहीं है, चलेगा ब्लॉक सी. अगर आप इसी फिगर को ना, अगर आप इसी सिचुएशन को एक स्टेज आगे बढ़ करके देखो, ये जस्ट आफ्टर कोलिजन की सिचुएशन है. इसी को ना अगर मैं बहुत देर बाद की बात करूं, ठीक है, मतलब मतलब इसी को अगर आप डिस्कस करो कि लॉन्ग टाइम आफ्टर कोलिजन, तो सिचुएशन बदल नहीं जाएगी यार. आपको नहीं लग रहा सिचुएशन बदल जाएगी यहां पर? अब मैं पूरा फ्री हैंड डायग्राम बना दे रहा हूं. ब्लॉक बी आगे आ जाएगा और ब्लॉक सी ब्लॉक बी के ऊपर कुछ स्लाइड कर चुका होगा,
ब्लॉक सी ब्लॉक बी के ऊपर कुछ स्लाइड कर चुका होगा, ब्लॉक ए का क्या हुआ मुझे पता नहीं, ब्लॉक ए भी आगे आ गया होगा, ये सब ऐसी सिचुएशन होगी। अब ब्लॉक सी स्लाइड क्यों कर जाएगा यार इसके ऊपर, ब्लॉक सी फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से। और कब तक स्लाइड करेगा ब्लॉक सी ब्लॉक बी के ऊपर, कब तक स्लाइड करेगा वो, जब तक जब तक इनकी वेलोसिटीज बराबर नहीं हो जाती, क्योंकि जैसे ही बराबर वेलोसिटी आएंगी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी जीरो और फ्रिक्शन रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करता है। तो जब तक बी और सी के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी होगी फ्रिक्शन लगता रहेगा, बी और सी के बीच रिलेटिव वेलोसिटी खत्म हो जाएगी यानी कि सेम वेलोसिटी पर आ जाएंगे फ्रिक्शन बंद हो जाएगा। सर बी को हमने लॉन्ग प्लैंक माना है, लॉन्ग हाँ अच्छा ऊपर लिखा है वो, देखो यहाँ पर ऊपर एक लाइन लिखी हुई है वो आपको शायद इसकी वजह से कवर हो गया, दैट ब्लॉक बी इफ द लेंथ ऑफ द ब्लॉक इज इनफ टू प्रिवेंट अ फॉलिंग ऑफ द ब्लॉक सी, ये माना है कि ब्लॉक सी गिरेगा नहीं उसके ऊपर से कभी। तो देखिए तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि कोलिजन के बाद और लॉन्ग टाइम आफ्टर कोलिजन, यानी कि अब क्या यहाँ पर भी फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें क्या कोलिजन होने के बाद, या अब आप फ्रिक्शन को कंसीडर करोगे यहाँ पर, कंसीडर करें या इग्नोर करें? कंसीडर करना होगा, कंसीडर करें हाँ, क्योंकि ये ना कोलिजन के बाद की कहानी है तो यहाँ तो कंसीडर होगा, लेकिन जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन में अगर कोई पूछे कि यार फ्रिक्शन कंसीडर करना है कि नहीं करना है, तो मैं कहना उस समय ना करो, अप्रोक्सीमेशन से इग्नोर कर दो उसको, वहां पर थोड़े देर के लिए फ्रिक्शन को इग्नोर कर दो। समझ है कब इग्नोर करना है कब नहीं करना है उसको, बोलिए अप्रोक्सीमेशन सम है ना। आप सॉल्व कैसे करोगे इसको, अल्टीमेटली आ रहा है कि सॉल्विंग कैसे होगी, सब कुछ तो ठीक है लेकिन आप फाइनली सॉल्व कैसे करेंगे यार। अच्छा और ए वाली वेलोसिटी ना वी वन से ही चलेगा, क्योंकि अब ए वाली वेलोसिटी जिस सरफेस पे चल रही है वो स्मूथ है, तो जस्ट आफ्टर कोलिजन ए के पास जो भी वेलोसिटी वी वन आई अब वो अपनी उसी वेलोसिटी को मेंटेन कर लेगा, क्योंकि अब आप स्मूथ सरफेस पे चल रहे हो फ्रिक्शन नहीं लग रहा है यहाँ पर, पहले था अब नहीं है। सर रिलेटिव स्पीड से वेलोसिटी निकाल लेंगे v2। ठीक है अब बता फिर, अब बता हाँ ठीक है अब कैसे कैसे करना है, पहले थियोरेटिकल पहले एनालिसिस हो गई अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो मैंने कहा ना कि जब ये सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, क्योंकि कन्फ्यूजन तो इन्हीं को लेके आती है ना यार कि फ्रिक्शन को लेना है कि नहीं लेना है, इग्नोर करना है कि क्या करना है, दिमाग में तो यही सब चलता रहता है। बताओ सच बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, अगर आप अपने अपनी बात करिए, हम लोग की बात ना करो यार। अगर आप जब बुक लेकर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपके मन में थॉट्स किस तरीके के आ रहे होते हैं, क्वेश्चन करते वक्त कैसी कैसी कन्फ्यूजन्स आती हैं, मेरे ख्याल से इसी टाइप के पॉइंट्स आ रहे होंगे, या और कोई पॉइंट इस समय मन में आ रहा था वो भी बता दो हमें। यस सर, क्योंकि हम तो हाँ हम तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स ने हम लोगों से इतने सालों में जो इंटरेक्शंस करी हैं उसके थ्रू हमको यही समझ में आया कि उनके मन में ये सब बड़े डाउट रहते हैं। ठीक है मैं फिर भी बोला, मुझे तो भाई आप एक नए स्टूडेंट हो, आपको अगर कोई नया डाउट हो तो वही बता दो, बट ये हम तो अपना एक्सपीरियंस कंपाइल करके आपके सामने रख रहे हैं कि हमें, और मैंने नोट्स भी इसी हिसाब से बनाए हैं ताकि आपके डाउट्स मैक्सिमम नोट्स में और एग्जांपल्स में कवर कर लें। फिर भी कोई डाउट है तो डिस्कस कर सकते हो, इसके अलावा अगर मन में कुछ चल रहा है। चलिए तो अब देखो थ्योरी पार्ट हो गया, अब आप इक्वेशंस कैसे बनाओगे, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि इक्वेशंस बनाना है, इक्वेशन बनाना मुश्किल से 2 मिनट का काम होता है। अब इक्वेशन से बना के दिखा दे रहे आपको, सबसे पहली बात देखो कोलिजन से जस्ट पहले, मतलब कि पहले कंसेप्ट लगाओगे मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन शुड बी इक्वल टू मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो जस्ट बिफोर कोलिजन का मोमेंटम, इसमें तीनों के मासेस बराबर है, ऊपर क्वेश्चन में लिखा है, तो मास m जस्ट बिफोर कोलिजन सिर्फ a वाली बॉडी चल रही थी va वेलोसिटी से और va की वैल्यू ये है, तो हम उसको फिलहाल तो va लिख देंगे, बाद में आप उसको रिप्लेस कर लेना। और कोलिजन के बाद जस्ट आफ्टर कोलिजन a वाली बॉडी v1 वेलोसिटी चल रही है m v1 और b वाली बॉडी v2 वेलोसिटी चल रही, तो m v2, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनी है।
इस क्वेश्चन में रेस्टिट्यूशन भी दे रखा है तुम्हें 0.6 का, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.6 का दे रखा है। तो दूसरी इक्वेशन हम लगाएंगे कोलिजन के बाद की रिलेटिव स्पीड v2 माइनस v1, रिलेटिव स्पीड आफ्टर कोलिजन डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड जस्ट बिफोर कोलिजन यानी कि va, ये 0.6 न्यूटन लॉ ऑफ कोलिजन। यहां से मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आप v1 और v2 की वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लोगे, यहां से मैं ये मान के चल रहा हूं कि दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस होंगी तो v1 v2 सॉल्व कर लेंगे, मेरा ये अजम्पशन है, बाकी आपसे होगा सॉल्व कि नहीं होगा ये आपकी मर्जी है, बट इक्वेशंस बना दी हमने। इसके बाद क्या करेंगे ना, इसके बाद फ्रिक्शन का वर्क डन उसी पे और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। अच्छा सुनो, थोड़ा सा मैं नेक्स्ट पेज पे नहीं जा रहा, मैं यहीं पे करना चाह रहा हूँ। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन एंड मोमेंटम जब इन दोनों में रिलेटिव मोशन बंद हो गया, जब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गई, क्या ये दोनों मोमेंटम बराबर होंगे? अगर अगर सिस्टम बी प्लस सी है तो इसको अलग पेज पे कर देते हैं, क्योंकि ना इसमें स्पेस कम पड़ रहा है, यहाँ पर अलग पेज पे आता हूँ थोड़ा सा। हाँ देखिए, मतलब बी और सी थोड़ा सा सेपरेट पेज पे आते हैं इसको, बी और सी मतलब क्या हुआ था जस्ट आफ्टर कोलिजन में। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन में ब्लॉक सी के पास 0 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी और ब्लॉक बी के पास हम लोगों ने क्या माना था, v1 माना था कि v2, ये v2 था, ये जस्ट आफ्टर कोलिजन था। और उसके बाद हम कह रहे हैं कि ये बी वाला ब्लॉक आगे शिफ्ट कर जाएगा और ब्लॉक सी ब्लॉक बी के ऊपर स्लाइड कर जाएगा कुछ तब तक जब तक कि इन दोनों में कुछ कॉमन वेलोसिटी नहीं आ जाती है, वी सी मान लेते हैं। वी सी मतलब कॉमन वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होने का मतलब फ्रिक्शन अब नहीं लगेगा। तो व्हेन वी रिलेटिव बिकम्स जीरो, अब मैं कह रहा हूं कि बी प्लस सी सिस्टम है, अब ए हमारा सिस्टम का पार्ट नहीं रहा, ए चला गया, बी प्लस सी सिस्टम है और नीचे जो ग्राउंड है वो वैसे ही फ्रिक्शन लेस था, याद करो नीचे जो ग्राउंड है ये तो वैसे ही स्मूथ ग्राउंड है। बताएं क्या मोमेंटम कंजर्व करने की कंडीशंस फुलफिल हो रही है, नहीं हो रही है? बी प्लस सी सिस्टम है तो ये आपस में कितना फ्रिक्शन लगा रहे उसको छोड़ दो आप, बी प्लस सी सिस्टम है तो आउट ऑफ सिस्टम क्या है, बिल्कुल देखो आउट ऑफ सिस्टम कितना आसान तरीके से अगर आप चलोगे तो होगा, आउट ऑफ सिस्टम क्या है, अगर बी प्लस सी सिस्टम है तो आउट ऑफ सिस्टम फ्लोर है, लेकिन फ्लोर से नॉर्मल लगेगा, आउट ऑफ सिस्टम अर्थ है उससे ग्रेविटी लगेगी, इन दोनों से कोई मतलब नहीं क्योंकि वर्टिकल फोर्सेस हैं ये और जो भी बॉडीज मूव कर रही है वो हॉरिजेंटल में मूव कर रही है, तो वर्टिकल फोर्सेस से हमें कोई मतलब नहीं है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में सिस्टम के बाहर से कोई फोर्स आ नहीं रही, मतलब मोमेंटम कंजर्व। सो आप कह सकते हो कि मोमेंटम कंजर्व कराएंगे फिर से, यानी कि अब आप क्या करेंगे ना, ये दोनों सेम मास के हैं m और m, तो इनिशियल मोमेंटम m v2 इक्वल टू यहाँ पर ये m और ये भी m, यानी कि टोटल 2m हो गया और एक कॉमन वेलोसिटी vc आई, तो ये तो हो गई आपकी एक और इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन कह देते हैं क्योंकि दो इक्वेशन पहले बन चुकी थी। अब आइए एनर्जी के बारे में, फिर से कहानी बोल रहे हैं, आउट ऑफ सिस्टम, आउट ऑफ सिस्टम से कोई एनर्जी नहीं आ रही है, एनर्जी फ्रॉम आउट ऑफ सिस्टम वो तो जीरो है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर ताकि कभी रिवाइज करो तो याद आ जाए, लेकिन एनर्जी इनसाइड सिस्टम की बात करो जरा, एनर्जी में दोनों देखना होता है आपको, इनसाइड सिस्टम क्या है और आउटसाइड सिस्टम क्या है, तो इनसाइड सिस्टम फ्रिक्शन नहीं लग रहा है यहां पर अंदर सिस्टम में, बी और सी की इट इज लॉस्ट बाय द फ्रिक्शन, यानी यहाँ एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। अब ये ध्यान रखना, मैंने जानबूझ के लिख दिया है कि जब आपके मन में एनर्जी का कंसेप्ट आए ना तो दोनों देखा करो, बाहर क्या हो रहा है और अंदर क्या हो रहा है, लेकिन जब मोमेंटम की बात आए तो सिर्फ बाहर देखिए, अंदर से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं होता कि अंदर मोमेंटम अंदर फ्रिक्शन है कि नहीं है, क्या मतलब उस समय।
बोलो जी बच्चा लोग, समझ में आया पूरा क्वेश्चन? ये डाउट वगैरह जो है मन में ना, कि कहाँ कंसीडर कहाँ इग्नोर, बड़ा ध्यान से करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने मतलब इसीलिए लिया था कि कंसेप्ट क्लियर कर पाए आपके। और ये कुछ क्वेश्चन हैं लेकिन सर आपने करेंगे। हाँ बताओ सर, उसी में एक और डाउट है सर, जो ये फ्रिक्शन का जब लिखेंगे हम लोग वर्क सी पे, हाँ एक मिनट, तो जो एक मिनट में इसको भी कर देता हूँ यहाँ पर, एक क्वेश्चन ये भी कर लेता हूँ। अब देखिए कितनी एनर्जी थी यहाँ पर, आपका ये भी कर लेता हूँ, यहाँ पर कितनी एनर्जी है बताओ, यहाँ पर इनिशियल एनर्जी निकालें अगर, तो इनिशियल एनर्जी हाफ एम वी टू स्क्वायर है, और बाद में कितनी एनर्जी है अगर हम फाइनल एनर्जी कैलकुलेट करें यहाँ पर, तो फाइनल एनर्जी में हाफ टोटल टू एम मास हो गया और वी सी स्क्वायर, हालांकि वी सी कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ से, थर्ड इक्वेशन से वी सी आ जाएगा, है ना, वी सी की वैल्यू वी टू डिवाइडेड बाई टू आ जाएगी। तो ये एनर्जी जो लॉस हुई है फ्रिक्शन की वजह से, तो आप क्या लिखोगे, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, ठीक है जी। ये लॉस हुआ किसकी वजह से लॉस हुआ, ये इनिशियल माइनस फाइनल, मतलब ये जो डिफरेंस है वो गया कहां पर, तो लॉस्ट बाय फ्रिक्शन, सो इट शुड बी वर्क बाय फ्रिक्शन, इट शुड बी द वर्क बाय फ्रिक्शन। लेकिन फ्रिक्शन यहाँ जो लगेगा वो म्यू, कौन सा म्यू लेंगे इसमें, पहली बार एक और चीज समझो, इधर म्यू वन था इधर म्यू टू, कौन सा म्यू लोगे अब, किस फ्रिक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, म्यू टू, म्यू टू, तो म्यू टू एम जी। अब जानते हो यहाँ पर एक कंसेप्ट आपका ना वर्क एनर्जी चैप्टर में आपके साथ डिस्कस किया था मैंने, कि जब दो बॉडीज मूव करती हैं, जब दो ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन लगे, तो वर्क बाय, हाँ वर्क बाय फ्रिक्शन इनके रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट से आता है, कि ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है यहाँ पर, तो इनटू डी रिलेटिव आएगा इसमें। अब लेक्चर अगर याद होगा तो ठीक है, वर्क एनर्जी पावर में ये स्टेटमेंट मैंने डिस्कस किया था जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का लेक्चर बनाया था, कि अगर फ्रिक्शन दो ब्लॉक्स के बीच में लग रहा हो और उनमें स्लिपिंग हो रही हो, तो वर्क बाय फ्रिक्शन जब निकालते हैं सिस्टम का, तो उसमें रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट को यूज कर लेते हैं उनकी। सर इसी में एक डाउट था सर, जैसे कि हम लोग फ्रिक्शन का वर्क डन लिखते थे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऊपर सी ब्लॉक का और नीचे बी ब्लॉक का, हाँ। तो सर सी ब्लॉक का जैसे जब लिखेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वी रिलेटिव लेंगे उस ब्लॉक की या वी ग्राउंड से जो देख रहे होंगे वो लेंगे? नहीं सुनो सुनो सुनो, ये जो म्यू टू एम जी इंटू डी रिलेटिव किया आपने, ये फ्रिक्शन का वर्क सिस्टम के लिए है। आप फिगर को देख के बताओ, क्या ब्लॉक सी का टोटल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं है? ब्लॉक सी की स्टार्टिंग लाइन को देखो, जहां से स्टार्ट किया है उसके रिस्पेक्ट में तो ब्लॉक सी काफी आगे निकल आया है, ये पूरा डिस्टेंस है, मतलब ये एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है ब्लॉक सी का। तो अगर आपको ये पूछा जाए, अगर आपको यही निकालना है कि वर्क बाय फ्रिक्शन, सुनो वर्क बाय फ्रिक्शन सिर्फ ब्लॉक सी पर कितना हुआ, ओनली ऑन ब्लॉक सी, कुछ और बता रहे, वर्क बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक सी अगर होगा कितना होगा, हमें लगा नहीं बन, बताओ। तो ये लगाओ ना यार, ब्लॉक सी 0 मीटर पर सेकंड पे था, ब्लॉक सी 0 मीटर पर सेकंड पे था, वहां से वो वीसी स्पीड पर आ गया, तो जीरो से वीसी किसकी वजह से आया, किसकी वजह से उसकी स्पीड बढ़ गई है, तो फिर ये चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी कर दो उसमें, लेकिन ब्लॉक सी रखो सर। अगर आप ये चाहते हो कि वर्क बाय फ्रिक्शन सिर्फ बी वाले पे कितना हुआ, ओनली ऑन बी, ओनली ऑन बी, तो फिर हम बी का काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकाल देंगे, बी वाला ब्लॉक वी टू से वी सी तक जा रहा है, तो हम ये कहेंगे हाफ एम ए वी सी स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर। लेकिन अगर वर्क बाय फ्रिक्शन सिस्टम का पूछा था आपने बी प्लस सी, तो इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी निकाल दो, या इसके लिए मैंने आपको कह रखा है कि इसके लिए आप रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, दोनों चीजों कर सकते हैं सर। वही जैसे वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन सी है जो,
उसमें सर हम लोग ने वीसी रिलेटिव टू ब्लॉक बी लिए, वीसी रिलेटिव स्पीड है ब्लॉक नहीं है, रिलेटिव का है, वीसी तो एक्चुअल स्पीड है दोनों की है, रिलेटिव तो जीरो हो गया यहां पर, रिलेटिव तो जीरो हो चुका है, एक दूसरे के रिलेटिव तो जीरो स्पीड पर है, मतलब रियल वेलोसिटी ली हमने, एक्चुअल ग्राउंड फ्रेम की वेलोसिटी। ओके ठीक है जी आयुष्मान जी, करना बच्चा इस क्वेश्चन को, काफी कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर मतलब, और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ अगर आपने इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस की, जितना एग्जांपल मैंने दिए ना इन एग्जांपल्स के प्रैक्टिस की, तो थियोरेटिकल डाउट्स भी रिमूव हो जाएंगे और न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट भी आएंगे। जैसे इसके अंदर काफी सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो गए इस क्वेश्चन में, और इसके पहले इसमें इग्नोरेंस वाला कॉन्सेप्ट है, और ये जो एक्टर वाला कॉन्सेप्ट है ये वाकई में अच्छा कॉन्सेप्ट है कि इंटरनल फोर्सेस की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ भी सकती है, जरूरी नहीं कि कम ही होगी, हमेशा बढ़ भी सकती है वो। यहाँ पर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, और इलास्टिक कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, दैट मींस कि डिफरेंट टाइप के कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये बहुत केयरफुली एनालाइज करना पड़ता है हमको कि क्या करना चाहिए, और जब भी आपके मन में एनर्जी को लेकर के सवाल उठे तो ये जरूर देखा करो कि सिस्टम के बाहर से कोई एनर्जी आ रही है या सिस्टम के अंदर से, दोनों देखना होगा, आउटसाइड इनसाइड। मोमेंटम के लिए सिर्फ आउटसाइड, मोमेंटम के लिए सिर्फ आउटसाइड सिस्टम क्या हो रहा है, ठीक है जी। सर इस वाले का सर इस वाले केस में भी सी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और बी की कम हो रही है, लेकिन सिस्टम की सर सिस्टम की लॉस हुआ है, कम हो रही है। यस हाँ चलिए जी बच्चा लोग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में है ना।